हेलो एवरीवन, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ, तो बड़ा स्वागत है आज के सेशन में आपका। आज के सेशन में हम सीएलसी के एक यूनिक कॉन्सेप्ट नीट के लिए ब्रह्मास्त्र बायोकेम डीटीएस। तो आज के सेशन में बायो डीटीएस 9 का सॉल्यूशन करेंगे और बायो डीटीएस 9 में टॉपिक है इकोलॉजी। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इकोलॉजी एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें बेटा तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं केवीपीआई और बायो ओलंपियाड, उनके लिए भी टॉपिक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपनी नेचर के बारे में, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्सेज और जो ऑर्गेनिज्म है या इस नेचर का एग्जिस्टेंस कैसे है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस समय तो ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक, क्योंकि नेचर ने अपन को इस बहुत ही जो वैश्विक महामारी है, ये पेंडेमिक है, इसमें अपन को सिखा दिया है। और इस समय अपन को बिल्कुल प्लांटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बेटा जी, इस इकोलॉजी में हमने 180 क्वेश्चन लिए हैं जिसका अपन दो पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे। 90 क्वेश्चन, 1 से 90, देन 91 से 180। यस बेटू, और ये 180 क्वेश्चन हमने बिल्कुल 100% एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान में रखते हुए और नियर बाई अप्रोच, क्योंकि कुछ थोड़ा सा सराउंडिंग एनसीईआरटी जैसे नेशनल पार्क और आप समझ सकते हैं बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कुछ नियर बाय अप्रोच से पूछे जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखा गया है। मैंने पूरा प्रयास किया है सीएलसी की तरफ से, हमारी बॉटनी की टीम ने पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड किया जाए ताकि आप 2021 के अंदर एक टॉप रैंक इंडिया लेवल पर आप इंडिया टॉप कर सकें। और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और बाकी इतने अच्छे आईपीएल लेवल वाले आप बच्चे हो, बहुत ही क्यूट बच्चे हो, अच्छे आईक्यू लेवल वाले हो, तो बेसिकली 100% आप समझ सकते हैं कि अपनी रैंक आएगी। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताते हुए मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा कि अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुई, भाई वाटर में हुई लेकिन कैसे ओरिजिन हुई, उसका जो एडवांस कंसेप्ट आपने इवोल्यूशन में देखा होगा उसको आप कहते हैं फिजिकल हायरार्की। उसके पश्चात लाइफ का एग्जिस्टेंस एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल के रूप में आया, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में जीवन का अस्तित्व आया। यस, तो फिर वो सेल से लेकर अपन ऑर्गेनिज्म तक वो एक बायोलॉजिकल हायरार्की है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अपन देखें, और फिर इकोलॉजिकल हायरार्की। और आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, आप समझ सकते हैं कि जिस हैबिटेट में अदर ऑर्गेनिज्म उसका इंट्रैक्शन करता है। यस, अपन कहते हैं कि इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट इन विच ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट और सराउंडिंग एनवायरमेंट्स से वो इंट्रैक्शन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके लेवल्स देखते हैं। और अच्छे से आपने एनसीईआरटी में लिख रखा है कि बेसिकली इकोलॉजी कंसर्न्ड 4 बायोलॉजिकल लेवल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, यस बेटा बायोम और बायोस्फीयर, बट अपन और भी कुछ इंक्लूड करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप समझ सकते हैं बेटू कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम होता है। अब जब आप समझ सकते हैं कि इनिशियली टेम्परेचर बहुत हाई था तो हाइड्रोजन बहुत एक्टिव था, तो हाइड्रोजन ने कंप्लीट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और H2O फॉर्म हो गया। बेसिकली आप समझ सकते हैं उस टाइम पर वो वेपर फॉर्म में था, लेकिन फिर 1000 ईयर में कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ और कैसे ना कैसे प्रिमिटिव सी बने। और प्रिमिटिव सी के अंदर H2O, अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ का प्रिमिटिव एनवायरमेंट, पृथ्वी का जो आद्य वातावरण था वो रिड्यूसिंग था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती तो लाइफ की ओरिजिन नहीं हो पाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। तो फिर आप समझ सकते हैं, देखो ना, मोलिक्यूल और मोलिक्यूल के बाद कंपाउंड या मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और यही तो आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। यस, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ऑर्गेनेल्स यानी सब सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इस सेल, बस ये लाइफ एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाती है। और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए 3 चीज अनिवार्य है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्रोटीन मशीनरी, इट मीन डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दर्शा सके, क्योंकि उनमें या तो डीएनए था या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं थे। और फर्स्ट टाइम आप जानते हैं कि जो लिविंग सेल आई उसमें प्रोटीन मशीनरी थी। यस बेटू, फिर आप समझ सकते हो कि प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोटिक सेल, फिर सेल ऑर्गेनाइज्ड हुई टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल
ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हालांकि आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये बायोलॉजिकल हायरार्की, ये बायोलॉजिकल हायरार्की, बायोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि बायोलॉजिकल लेवल पे फिर आगे आपकी यहां से ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल और फिर आप समझ सकते हो बायोस्फीयर तक, ये इकोलॉजिकल हायरार्की है। इकोलॉजिकल हायरार्की पारिस्थितिक पदानुक्रम में हम ये स्टेप्स लेते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वेस्टी जो बेसिक यूनिट है, पॉपुलेशन, जब एक वेस्टी नर और नर या मादा हो सकती है लेकिन फिर ग्रुप बनता है पॉपुलेशन और वो रिप्रोड्यूस होकर एक ग्रुप बना लेता है, तो पॉपुलेशन जो एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं एक ही प्रकार के जीवों का समूह पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, देन कम्युनिटी, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में कोई एक पॉपुलेशन नहीं हो सकती, अकेली पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं अर्थ पे, अकेले प्लांट का भी एग्जिस्टेंस नहीं जो सोकोसी है, क्योंकि डिकम्पोजर होंगे तब उसको मिनरल मिल पाएंगे, तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, तो वो आपका बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशंस इन ए पर्टिकुलर एरिया। देन आप समझ सकते हैं इकोसिस्टम, जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन आ जाए तो नेचर की फंक्शनल यूनिट आ जाती है इकोसिस्टम, जो वाटर की एक ड्रॉप भी हो सकती है और ओशियन भी हो सकता है, फिर इसी के लार्ज फॉर्म इकोसिस्टम का लैंडस्केप बायोम, लार्ज इकोसिस्टम बायोम है, विस्तृत क्षेत्र जहां एवरेज टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर ऐसे डिफाइन किए जाते हैं, बायोम, बायोस्फीयर। इसके साथ मैं आपको हैबिटेट बताऊंगा कि आप जानते हो रीजनल और लोकल वेरिएशन से अर्थ पे जगह जगह और एक पर्टिकुलर एरिया में भी तरह तरह के हैबिटेट डेवलप हुए हैं, और हैबिटेट में बायोटिक एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स आपके होते हैं। ये बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो बायोस्फीयर है। यानी बेटा बायोस्फीयर का मीन क्या होता है कि लाइफ इंटरेक्ट विद एयर, वाटर और सॉइल, यानी पृथ्वी पर जहां जहां जीवन संभव हो सकता है, लाइफ पॉसिबल है, उसको आप कहते हैं बायोस्फीयर। यस बेटू, तो ये आपको मैंने पूरी इकोलॉजिकल हायरार्की बताई। थोड़ा सा बेसिक और बताता हूं कि जो इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी में अपन लिखते हैं, आप समझ सकते हैं कि आइकोस से आया है, और इकोलॉजी में अपन लिखते हैं ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट। यस बेटू, यस। और आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट इन विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। यस, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइंस पे रहें, एनसीईआरटी आपके पास में रहना चाहिए, पेपर आपके पास में रहना चाहिए। इकोलॉजी को बहुत तरीके से वर्ड टू वर्ड में ट्राई करूंगा कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूं, लेकिन आपका साथ होगा तब, आप जैसे अच्छे आईक्यू लेवल वाले बच्चों का साथ होगा, तो सीएलसी हर संभव अपने प्रयास के साथ आपके सपनों की उड़ान में एक सहायता करेगी। यस बेटू, तो ध्यान दीजिएगा। फिर इकोलॉजी की दो ब्रांच होती है, आर्ट इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी, यस, और सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। तो आर्ट इकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के उसके एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाए, किसी एक जीव या उस समान प्रकार के जीव का समूह, स्पीसीज या पॉपुलेशन का सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाए, तो एक ही टाइप के इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आएंगे। जबकि सीन इकोलॉजी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप की पॉपुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन, प्लांट में भी तरह तरह की पॉपुलेशन हो सकती है, एनिमल, माइक्रोब, उनके आपस की सारी इंटरेक्शन से बायोटिक कम्युनिटी फॉर्म होती है, तो कम्युनिटी लेवल पर जो अपन स्टडी करते हैं वो आपकी होती है सीन इकोलॉजी। इट मीन आप समझ सकते हैं कि आर्ट इकोलॉजी का बेसिक होता है स्पीसीज या पॉपुलेशन, और सीन इकोलॉजी का जो अध्ययन की इकाई होती है, यूनिट ऑफ स्टडी होती है, वो आपको होता है कम्युनिटी। यस बेटा, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज, और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अच्छे से वहां पर बायोम, हैबिटेट और सारी बातें, आपको इन्फॉर्मेशन जो एनसेट का पेज नंबर 220 उस पर बता रखी है। और अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, तो देखिए बेटा जी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखो आपसे वही बातें ताकि आप फटाफट अब क्वेश्चंस की अप्रोच को पूरा कर सकें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की सबसे आधारभूत इकाई क्या है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन, सबसेलुलर कंपोनेंट, सेल या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो सबसे बड़ी बात अपन करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कई बच्चे यहाँ डिस्टर्ब हो सकते हैं कि सर सेल भी तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, लेकिन वहां इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे दिया, क्योंकि अपन ने कहा था कि इकोलॉजी में अपन बेसिक यूनिट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को मानते हैं,
वो एक कोश के भी हो सकता है और बहु कोश के भी, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर होगा ना वो फोर होगा, आंसर विल बी फोर। यस बेटू, तो ये मैंने बिल्कुल आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन फर्स्ट, और मैं आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर भी डिफाइन करूंगा। इसका एनसीईआरटी पेज नंबर है 220। यस बेटा, आप पेज नंबर भी नोट करते जाएं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ऑर्ट इकोलॉजी डज नॉट डील विद द स्टडी एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, स्व पारिस्थितिकी निम्न में से किस स्तर पर अध्ययन नहीं करती है। मेरे बेटू आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्ट इकोलॉजी में यूनिट ऑफ द स्टडी अध्ययन की इकाई है स्पीसीज या पॉपुलेशन। यस, और सिन इकोलॉजी के अंदर स्टडी का जो यूनिट है अध्ययन की जो इकाई है वो क्या है, कम्युनिटी लेवल पर अध्ययन करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल हो जाएगा, स्पीसीज लेवल हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म लेवल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ही पॉपुलेशन है, तो ये तो हो जाएगा। बट क्या नहीं होगा, कम्युनिटी लेवल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सिन इकोलॉजी की बात है। यस और नो बेटा, और मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, तो आंसर विल बी फोर। बोलो बोलो अच्छे से कंसेप्ट, और इसका भी आप समझ सकते हैं कि ये रिलेटेड ब्रांचेज है, एनसीईआरटी लाइन में नहीं लेकिन रिलेटेड ब्रांचेज है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, हैबिटेट इंक्लूड, कि हैबिटेट में आवास में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए बेटा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जहां सर्वाइव करता है ऑर्गेनिज्म, उसको आप कहते हैं हैबिटेट। और एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है कि रीजनल और लोकल वेरिएशंस, जो आप समझ सकते हैं हर बायोम में जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस हैं वो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू हैबिटेट, यानी नए नए आवास बन गए। वहां की क्लाइमेट को, जलवायु को देखा, जो भी एवरेज रेनफॉल है, टेम्परेचर है थ्रू आउट ईयर, तो उससे आपका हैबिटेट हो गया। अब जिस हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उस ऑर्गेनिज्म को उस हैबिटेट के एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर का मीन आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, जलवायु कारक भी, फिजिको केमिकल कंपोनेंट, टेम्परेचर है आप समझो, वाटर है और सॉयल है, लाइट है। यस, जो फोर आपको फैक्टर दे रखे हैं, जो सबसे मेजर एबायोटिक फैक्टर दे रखा है, और मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर आपको टेम्परेचर दे रखा है। यस, इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर में ये बात हो गई, फिर एडेफिक फैक्टर है जो सोइल से रिलेटेड होते हैं। यस, तो ये सारे फैक्टर आप समझ सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर में आ गए। इसके साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, यानी उस ऑर्गेनिज्म को अदर ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट करते हैं, अदर के साथ वो इंटरेक्ट करता है। यस, बायोटिक कंपोनेंट, और वहां हो सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए अदर ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग दीज इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस को देखें कि हैबिटेट इंक्लूड आवास में सम्मिलित है, बायोटिक कंपोनेंट बिल्कुल सम्मिलित है, फिजिको केमिकल कंपोनेंट समझ गए ना, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल, पैथोजन, पैरासाइट, कॉम्पिटिटर, डिफरेंट स्पीसीज, बिल्कुल ए बी सी डी चारों ही आप समझ सकते हैं कि इंक्लूड है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। यस बेटू, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में अगर अपन देखें तो आप समझ सकते हैं कि पेज नंबर 221, यानी यहां पर एनसीईआरटी का पेज लिखते हैं 221 पेज पे आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करना मेरे बेटू। यस, तो राजा बेटा रानी बेटी बिल्कुल एक्यूरेट देख रहे हैं ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट पे जाइए। तो देखिएगा, टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सही है। तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, 100% सही है, क्योंकि जो एबायोटिक कंपोनेंट में जो बेसिकली फोर मेजर कंपोनेंट आपको ले रखे हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल, उसमें मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेसल मेटाबॉलिज्म को, बेसल मेटाबॉलिज्म आधारित उपापचय, एंजाइम काइनेटिक्स को टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होता है। यस, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेम्परेचर और रेनफॉल ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि करेक्ट है। रेड एल्गी में भी प्रेजेंट एट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ये गलत है, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सुन लेना। एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हरे शैवाल और भूरे शैवालों की तुलना में लाल शैवाल अधिक गहराई पर पाए जा सकते हैं। बेटा अधिक डेप्थ पे पाए जा सकते हैं, लेकिन वहां तो नहीं हो सकते ना जहां सनलाइट का कोई भी कंपोनेंट, सोलर रेडिएशन का कोई भी कंपोनेंट
इवन यूवी रेज भी वहां नहीं पहुंच सके तो वहां तो नहीं हो सकते ना। डीप सी हाइड्रोथर्मल का इवेंट का मीन है कि वहां के ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं है कि कोई सोलर बॉडी भी है क्या, वहां लाइट ही नहीं है। तो वहां तो कीमोसिंथेटिक पावर इकोसिस्टम होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहां ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसलिए ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बेटू, रॉन्ग हो गया। यस वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, नहीं जी, मोस्ट रेलिवेंट आपका टेम्परेचर है, सबसे प्रासंगिक तापमान है, दूसरे नंबर पे वाटर है, वो भी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। लेकिन अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया और आप समझ सकते हैं कि यहां आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यस बेटू, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें कॉलम को आपको मैच करना है अच्छे से। तो मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। स्तंभ एक और दो दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 221 पर भी कुछ इंफॉर्मेशन है, 223 पर भी, एनसीईआरटी पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए बेटा, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, आप समझ सकते हैं कि यूरीथर्मल कौन होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म का अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, अंदर का तापमान नियत होता है, तो सराउंडिंग एनवायरमेंट का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंस कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि सहिष्णुता की बड़ी प्रास में वो टॉलरेंट कर सकते हैं यूरीथर्मल। ओनली आप समझ सकते हैं 1% मैमल्स, बर्ड्स और कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट जो आपके होते हैं। यस बेटू, तो देखो यूरीथर्मल क्या है, एबल टू टॉलरेंट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई जिनके शरीर का आंतरिक नियत होगा, बाह्य प्रीवियस के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं। जैसे मैमल्स हैं, अपन आप समझ सकते हो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में वहां पर भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, और टुंड्रा जहां हमेशा बर्फ गिरती है वहां पर भी अपन रह सकते हैं। तो एक बड़ी रेंज है ना टॉलरेंस की। बोलो जी, अपने फौजी भाइयों का जम्मू कश्मीर से जैसलमेर के डेजर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, रहते ना, तो आप समझ सकते हैं कि यूरीथर्मल एबल टू टॉलरेंट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये तापमान के वृद्ध प्रास को सहन करने की क्षमता इनमें होती है। यस, फिर आपका स्टेनोथर्मल, तो स्टेनोथर्मल आप समझ सकते हैं कि एबल टू टॉलरेंट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप समझ सकते हैं कि स्टेनोथर्मल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 99% एनिमल, यानी मोस्ट ऑफ एनिमल, वो थ्रू आउट ईयर पूरे वर्ष भर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है बाह्य परिवेश का तापमान के अकॉर्डिंग उनके अंदर का बॉडी का चेंज हो जाता है, तो फिर ये ज्यादा रेंज में टॉलरेंट नहीं कर सकते, इनके एक नैरो रेंज, एक संकीर्ण प्रास में ये जीवन यापन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तनुतापी है इसके लिए आपका ये हो जाएगा। यस बेटू, और उसके बाद आप जानते हो कन्फर्मर क्या होते हैं। कन्फर्मर आप जानते हैं कि भी जो कन्फर्म होता है बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिएंट टेम्परेचर, भाई जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग इंटरनल चेंज हो जाए वो कन्फर्मर होते हैं 99%। और तुम जानते हो रेगुलेटर वो होते हैं जिनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, प्रास में सांद्रता नियत हो। भाई तापमान और प्रास में सांद्रता नियत हो, वो आपके होते हैं क्या रेगुलेटर। लेकिन यहाँ आपसे पूछा केवल कन्फर्मर। यस, और डायपोज क्या है बेटा, डायपोज ये है कि एक सस्पेंड कंडीशन है, निलंबन की एक अवस्था है। जू प्लैंकटोन क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट की स्टेज को रोक देते हैं, विकास के प्रक्रम को, लार्वा स्टेज को रोक देते हैं और इनएक्टिव होकर आप जानते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं, उसको आप कहते हैं डाइपोज। तो ये आप समझ सकते हैं ए स्टेज ऑफ सस्पेंड, यानी आप जानते हैं हाँ बेटा ये समरूपी हो गया, और ये आप जानते हो परिवर्तन की निलंबन अवस्था। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये आप मिलान कर लेना। ओके बेटू, बहुत अच्छे से आया ना, एनसीईआरटी पेज नंबर मैंने आपके सामने लिखा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, सिन इकोलॉजी डील विद द स्टडी एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, सम पारिस्थितिक निम्न से किस स्तर पर अध्ययन करती है। तो अपने कहा था कि सम पारिस्थितिक में अध्ययन की जो इकाई होती है वो कम्युनिटी होती है, बायोटिक कम्युनिटी, जहां तरह तरह की पॉपुलेशन का असेंबलेज हो, कई सारी पॉपुलेशन और उसमें आपस में इंट्रैक्शन हो, तो वो आपकी सिन इकोलॉजी है। तो बिल्कुल आपका ये कम्युनिटी लेवल आपका हो गया। यस बेटा, 200 पेज 220 से रिलेटेड हो गया ये। यस, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर विल बी 3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे बेटू।
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। निम्न कथनों का अध्ययन करिए और सही कथन का चयन कीजिए। यस बेटू, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना, सही पर भी ध्यान देना है। और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है तो पेज नंबर 222 से रिलेटेड है, 222 जो एनसीईआरटी का है। यस, तो देखिएगा ऑप्शन पर बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू टॉलरेंट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर स्टेनोथर्मल। गलत हो गया, अभी अपन ने बताया था कि आप समझ सकते हैं स्टेनोथर्मल तो है ताप की संकीर्ण प्रास में, नैरो रेंज में टॉलरेट कर सकते हैं, तो ये तो वैसे स्टेटमेंट गलत हो गए। फिर देखिएगा थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन देयर ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू ए लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, विभिन्न जातियों की उसमें सहनशीलता एक विस्तृत सीमा तक उनके भौगोलिक वितरण का निर्धारित करती है। यस बेटू, क्योंकि आप समझ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आगे जाकर कि देखो ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, लोएस्ट लैटिट्यूड। फिर इससे अपन अगर अपन पोल्स की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर, रेनफॉल और बायोडायवर्सिटी क्या होता है, डिक्रीज, विल डिक्रीज। तापमान, जैव विविधता और वर्षा डिक्रीज होंगी, घटेंगी। यस, आप समझ सकते हो बेटा, टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर वेरी लेस देन 50 डिग्री, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में ग्रीष्मकालीन तापमान 50 डिग्री से कम होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, डेजर्ट में 50 डिग्री से ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपको उष्णकालीन यानी समर सीजन की बात कर रखी है भैया। यस, फिर देखो थर्मल स्प्रिंग कैन नॉट सस्टेन एनी लाइफ ड्यू टू वेरी हाई एवरेज टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री से कम, आपको बता रखा है, ज्यादा बता रखा है भाई, वहां सस्टेन नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती, कुछ आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट पर 100 डिग्री से ज्यादा पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। ये आपका डायवर्सिटी से भी रिलेटेड टॉपिक है। यस बेटू, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी ओनली एक स्टेटमेंट जो आपका सेकंड होली, सॉरी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी आपके सारे क्या है, रॉन्ग है। यस बेटू, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपका एनसीईआरटी का 224 पेज नंबर पे सीधा आपको लिख रखा है। यस, क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, विच वन इज करेक्ट, निम्न में से क्या सही है, कौन सा एक सही है, एक स्टेटमेंट सही है। तो देखिएगा कोल्ड एरिया एनिमल स्मॉल इन साइज लार्ज सरफेस एरिया लो वॉल्यूम। यस बेटा, आप समझ सकते हो कि यहां मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, ऑर्गेनिज्म की या सेल की साइज जितनी कम होगी, आकार जितना कम होगा कंपेरेटिव टू वॉल्यूम, या मैं वॉल्यूम के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको ऐसे कह दूँ स्टेटमेंट कि बताओ चीटी का सरफेस एरिया ज़्यादा है या हाथी का, तो सरफेस एरिया तो बेसिकली हाथी का ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई चीटी का उसके वॉल्यूम के कंपेरिजन में और हाथी का भी उसके वॉल्यूम के कंपेरिजन में, अगर अपन आयतन की तुलना कर लें तो आप जानते हो चीटी का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपेरिजन में ज़्यादा है और हाथी का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपेरिजन में क्या है, कम है। इसलिए एक बात बता दूँ कि एक अच्छा स्टेटमेंट आपको आंसर ने दे रखा है, हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। भाई ताप की हानि या ताप उष्मा को गेन करना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य है। इसलिए मैं आपको ये बात बता दूं, यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर कभी भी छोटे आकार के स्तनधारी सुरूज, छचुंदर और हमिंग बर्ड, छोटे आकार के पक्षी नहीं पाए जा सकते। हालांकि उन स्तनधारी और पक्षी के अंदर नियमन की क्षमता है, वो रेगुलेटर हैं, फिर भी नहीं होते। पोलर एरिया में आप देखते हो पोलर बियर यानी बड़े आकार के जंतु होते हैं, क्योंकि जितने बड़े आकार का जंतु होगा उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होगा, और अगर छोटे आकार का है तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया तो वो वहाँ पर कोल्ड रीजन होने पर वहाँ हीट लॉस कर देगा, और उस हीट लॉस कर देगा तो अपने बॉडी के टेम्परेचर वापस मेंटेन करने में उसको बहुत सारे मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होगी जो पॉसिबल नहीं है। यस बेटू, बर्गमान का रूल यही कहता है, बॉडी का साइज बताता है, जबकि एलन का रूल आगे आएगा वो बॉडी का साइज नहीं, बॉडी के ऊपर जो उपांग होते हैं कान टांग उनके बारे में आपको बात करता है। तो दोनों के कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बर्गमान का रूल और एलन का रूल, जो कई बार एलन साइंटिस्ट का रूल जो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम में अप्रोचेबल आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटा देखिएगा कि कोल्ड एरिया एनिमल स्मॉल इन साइज लार्ज सरफेस एरिया लो वॉल्यूम नहीं हो सकता, वार्म एरिया एनिमल स्मॉल इन साइज पॉसिबल ही नहीं है, लो सरफेस एरिया लार्ज वॉल्यूम नहीं जी,
वार्म एरिया एनिमल, स्मॉल इन साइज, लार्ज सरफेस एरिया, लो वॉल्यूम, नहीं जी। कोल्ड एरिया एनिमल, लार्ज इन साइज, बिल्कुल सही है, स्मॉल सरफेस एरिया, लो वॉल्यूम, यस। तो ठंडे प्रदेशों के अंदर आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो इस क्वेश्चन का आप आंसर होगा ना, वार्म एरिया एनिमल हो गया, स्मॉल इन साइज हो गए, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और वॉल्यूम कम हो गया, ये सही है। इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन में कोल्ड एरिया एनिमल है, लार्ज इन साइज, ये तो सही है, लेकिन स्मॉल सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम भी लो दे दिया भाई, आप समझ सकते हैं ना कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में फिर वो आप समझ सकते हैं कि ये कम हो जाएगा, तो इसमें ये गलत दे दिया। बट इस ऑप्शन में देखिए वार्म एरिया एनिमल, स्मॉल इन साइज सही हो गया, लार्ज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता था कि हीट लॉस कर सकें, और लो वॉल्यूम, यस बेटू। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, निम्न में से कौन से समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। तो देखिए बेटा वहां आपने जो चार फैक्टर पढ़े थे उसमें दो नेचुरली फैक्टर हैं, प्राकृतिक कारक हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, प्राकृतिक रूप से वो दो ही इफेक्ट करते हैं लेकिन दो विशेष परिस्थितियों में, यानी आप्रवासन और उत्प्रवासन, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज एन, तो आप समझ सकते हैं बेटा पर वहां पर बर्थ रेट या नेटलिटी इंक्रीज करता है और इमिग्रेशन आप्रवासन भी इंक्रीज करता है, जबकि आप समझ सकते हैं डेथ रेट और मोर्टलिटी डिक्रीज करता है और इमाइग्रेशन उत्प्रवासन, इमाइग्रेशन वो डिक्रीज करता, माइनस करता है, तो बी और आई बढ़ाते हैं। और आपने जो इक्वेशन जो एनसीईआरटी के अंदर देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बेटा इक्वेशन क्या है कि एन टी प्लस वन, यानी इकाई समय पश्चात जो पॉपुलेशन का साइज होगा, तो जो पहले था एन टी प्लस, यहां ब्रैकेट में अपन देते हैं बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, और इसको अपन बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये बड़े ब्रैकेट में आ जाता है, यस बेटू। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पर नेटलिटी यानी जन्म दर, बर्थ रेट, और आप समझ सकते हैं इमिग्रेशन मतलब आप्रवासन, ये दोनों बढ़ाते हैं ए और सी, और बी और डी क्या करते हैं, ये घटाते हैं, मोर्टलिटी और इमाइग्रेशन। तो यहां पर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, यस बेटा। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 229 229 पे ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट टू सपोर्ट ए पॉपुलेशन, पर्यावरण की एक समष्टि को सामर्थ्य प्रदान करने की क्षमता क्या है। यानी बेटा आप समझ सकते हैं कि ये पेज नंबर आपके 231 और 239 पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपका है। देखिए क्या होता है कि किसी भी हैबिटेट में, किसी भी आवास में कोई पॉपुलेशन है, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, संसाधन वहां पर जो उपलब्ध हैं, वो मैक्सिमम नंबर, उस पॉपुलेशन के मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड, उससे आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है, तो वो आपकी होती है कैरिंग कैपेसिटी। आप समझ सकते हैं कि अपन आगे जाकर आपको सिग्मोइड ग्राफ बताएंगे, तो सिग्मोइड ग्राफ जब आपको बताएंगे, यस बेटू, तो आप समझ सकते हैं लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी जो फेज है ना, तो ये आपको अपन समझाएंगे। तो देखिएगा बेटा कि यहाँ पर एबिलिटी टू एनवायरमेंट टू सपोर्ट ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो वो आपका होगा कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, और कैरिंग कैपेसिटी से आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और बेटा जी आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो 231 पेज नंबर पे है एनसीईआरटी के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 11 का मैं पहले आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक ग्राफ से, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये ग्राफ ही है, यस बेटू, तो ग्राफ में क्या है, देखो आप समझ सकते हैं कि नेचर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उसके दो पैटर्न है, एक आप समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, चरघातांकी, तो ये एक्सपोनेंशियल फेज है, जैसे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज के लिए नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशियंट हो या फिर आप जानते हो अनलिमिटेड हो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं, आप जानते हो नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हो सकते हैं, या तो आप जानते हो कि माइक्रोब बैक्टीरिया फंजाई के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, या फिर इंसेक्ट के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए रेनी सीजन में, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए,
बाकी आप जानते हो कि बड़े एनिमल के लिए तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो आप समझ सकते हो इनिशियली लैग फेज, यहाँ ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट होगा, एडेप्ट होने के बाद आप जानते हो एक्सपोनेंशियल, यानी ये चरघातांकी, जो जे सेप है चरघातांकी, और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये गिरेगा। तो जो जे सेप कर्व है इसके लिए जो आपका इक्वेशन होता है डीएन अपॉन डीटी बराबर आर है, डीएन अपॉन डीटी बराबर आर है, और आर आप समझ सकते हैं क्या है, आर नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि की अंतर्निहित दर आर, वी माइनस डी है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि उनको रिसोर्सेज अगर अच्छे से अवेलेबल होंगे तो वो बहुत ही फास्ट से, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, अच्छा उसका बायोटिक पोटेंशियल होता है, तो अपने भरपूर बायोटिक पोटेंशियल का यूज करेंगे, और जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आते ही गिरेगा, यस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि नेचर में ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, और नहीं भी हैं तो नियर बाई टाइम में, निकटवर्ती समय में वो लिमिटेड हो जाएंगे, यस। तो इनिशियली आप जानते हो लैग फेज है, फिर आप जानते हो कि लॉग फेज, तो लॉग में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, और फिर ये आप जानते हो एसिम्प्टोटिक, या आपका हो गया स्टेबल स्टेशनरी फेज आ गया, स्टेशनरी फेज हो गया यहाँ पर स्टेशनरी फेज, यस बोलो, है ना। और आप जानते हो बेटा कि नीट एग्जाम में इन दोनों ग्राफ से प्रीवियस 2016 से लेकर अपन 20 तक की बात करें तो क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आया है, यस बेटा। तो ये आपका हो गया सिग्मोइड कर्व, और सिग्मोइड कर्व मोर रियलिस्टिक वन है, क्योंकि एनवायरमेंट के जो टोटल फैक्टर्स हैं, द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस ऑन ओवर बायोटिक पोटेंशियल, तो बायोटिक पोटेंशियल के ऊपर, जैविक विभव पर, उस आर के ऊपर नेचर का कंट्रोल आ जाएगा। तो नेचर का कंट्रोल ही क्या है, डीएन अपॉन डीटी आर एन, और ये उस बायोटिक पोटेंशियल पे, जैविक विभव पे, आर वैल्यू पे, के माइनस एन अपॉन के, ये कंट्रोल है बायोटिक पोटेंशियल पे, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का कंट्रोल है, इसलिए वो पॉपुलेशन एक पॉइंट पे जाकर कैरिंग कैपेसिटी से आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो सिग्मोइड एस कर्व आता है, और यही प्रकृति में यथार्थ है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, ये आपका क्वेश्चन था इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर और बायोटिक पोटेंशियल। तो अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरणीय कारकों का जो इन्फ्लुएंस था, आप समझ रहे हैं, तो पर्यावरणीय कारकों का इन्फ्लुएंस क्या था, डीएन अपॉन डीटी। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होते और एनवायरमेंटल फैक्टर का अपन इन्फ्लुएंस नहीं पड़ते तो जैसे आरएन, लेकिन इन्फ्लुएंस आते ही डीएन अपॉन डीटी बराबर आरएन के माइनस एन बाई के, यस बेटू। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से देखते हो कि डीएन अपॉन डीटी आरएन के माइनस एन अपॉन के, आंसर विल बी सेकंड, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छे से। ये पॉपुलेशन बेटा आप समझ सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में एक एज के मेंबर नहीं होते हैं, अपने परिवार में देख लो कि एक एज के मेंबर हैं, दादी दादा की एज अलग है, माता पिता की, पेरेंट्स के एज अलग हैं, और फिर आप जानते हो कि आपके भाई बहन हो, चाचा के छोटे हो सकते हैं, बड़े भाई के छोटे बच्चे हो सकते हैं, तो अभी तो कुछ आए हैं आपके परिवार में, वो तो आप कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, जब तक वो 11-12 साल प्यूबर्टी पर नहीं जाए, यौनारंभ उनमें नहीं हो, तो प्री रिप्रोडक्टिव। फिर आपका होता है रिप्रोडक्टिव, जब उनमें मेच्योरिटी आ जाए और वो जननसम हो जाए, और फिर होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यस बेटा, जन्मोत्तर। तो आप समझ सकते हैं अगर प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, ये भी मैं यही बता देता हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, फिर आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव है, और फिर आप जानते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे नैरो है, सबसे कम है, तो ये आपका ट्रायंगल सेप हो गया। ट्रायंगल सेप अगर एज पिरामिड आए कि डिफरेंट डिफरेंट एज के मेंबर होते हैं, जब उनके एज के अकॉर्डिंग अपन उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो एज पिरामिड एक्सपेंडिंग हो जाएगी पॉपुलेशन। और आप समझ सकते हैं कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल हो जाए, और आप समझते हैं फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो जाए, तो ये अपन आप जानते हैं कि बेल सेप हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन दिया गया आप देखिएगा, दिए गए में आपके प्री रिप्रोडक्टिव कम है, अगर रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गया, एक ही कंसेप्ट, प्री रिप्रोडक्टिव अगर सबसे ज्यादा है तो एक्सपेंडिंग, और प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम हो गए रिप्रोडक्टिव से, ये रिप्रोडक्टिव फेज से प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गए, तो गारंटेड है कि डिक्लाइनिंग होगा, इसका साइज घटेगा, यस। और ये आप जानते हो अर्न सेप क्लस आकार का होगा, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, एसेंशियल है, यस बेटा। तो यहाँ दिए गए के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन,
थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप तीनों एज पिरामिड से क्वेश्चंस निकाल लो बेटा, और आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 227 227 है वहां से रिलेटेड है, और इजी वे में आप तीनों ग्राफ को क्लियर कर लें। यस बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन इन जीरोफाइट, कि मरुद्विद में अनुकूलन का उदाहरण नहीं है। आप समझ सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, एक वेस्टि का गुण है। कोई भी वेस्टि किसी भी आवास में एडेप्ट होगी तो केवल सर्वाइव करने के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सके, जनन जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर सके, अपनी समष्टि का कंटिन्यूटी बनाए रख सके, अपनी पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी बनाए रख सके। यस बेटू, तो यहाँ कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन आकार के अनुकूलन का एक उदाहरण, यानी जीरोफाइटिक प्लांट, तुम जानते हो डेजर्ट प्लांट होते हैं, उन डेजर्ट प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में, और स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फिलोक्लेड जो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, पनाब स्तंभ, यस, ठीक क्यूटिकल होती है, सन कैन स्टोमेटा होते हैं, यस, दसेवे रंध्र, ये सारी बातें। तो देखिएगा, कैम पाथवे क्रेसुलेशन, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म, कैम पाथवे, तभी तो उनमें स्कोटोएक्टिव रंध्र, तमोक्रियाशील रंध्र होते हैं, रात्रि में खुलने वाले रंध्र होते हैं, तो ये सही है। थिक क्यूटिकल मोटी उपचरण, क्योंकि वाटर लॉस को रोकेगी बेटा, प्रिवेंट वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल हानि को रोकेगी, ये मोटी उपचरण क्यूटिकल, ये भी सही है। और आप समझ सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, ये इसमें कोई मतलब नहीं है, रंध्र तो ज़्यादा होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वाटर लॉस ज़्यादा होगा। और फिर आप देखो लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर थर्ड उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आंसर विल बी थर्ड। यस बेटू, अच्छा है ना। और वहाँ अडेप्टेशन में आप मॉर्फोलॉजिकल हुए, फिजियोलॉजिकल एल्टीट्यूड सिकनेस है, और जो भी आप बिहेवियरल जो डेजर्ट लिजार्ड वाला है, वो सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से आप क्लियर करें मेरे बेटू। तो राजा बेटा रानी बेटी बिल्कुल तैयार होना, और बिल्कुल आईक्यू लेवल आपका बहुत अच्छा है, आप 2021 में बेस्ट रैंक ठोकेंगे, ये हमारा वादा है, और हमारा साथ और आपका साथ रहेगा तो अच्छी रैंक आएगी आएगी। यस बेटू, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, केवलादेव बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर, केवलादेव पक्षी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भरतपुर में, राजस्थान में भरतपुर में जो केवलादेव आप समझ सकते हैं कि अभयारण्य है, और आप समझ सकते हैं वहां पर बहुत दूर से प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन, सबसे लंबी दूरी का प्रवास आर्कटिक टर्न, 17,600 किलोमीटर का प्रवास। यस मेरे बेटा, और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 228 पेज एनसीईआरटी से रिलेटेड है ना बेटा। तो वहां देखो किसके लिए प्रसिद्ध है, भाई नॉर्मल यहाँ के तो लोकल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बाहर से कौन आया, साइबेरियन सार्स, साइबेरियन क्रेन। यस बेटू, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्वेश्चन देखिएगा बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 15 क्वेश्चन है पेज नंबर 232 पे एनसीईआरटी पे, और यहाँ अब आपका आ गया पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो एक बायोटिक कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, आपस में जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, यानी बेटा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वहां दो स्पीसीज के मेंबर के बीच या दो पॉपुलेशन की स्पीसीज के बीच ये इंटरेक्शन हो रही है। यस बेटू, वहां बेनिफिशियल भी, जैसे प्लस प्लस क्लोजली रिलेटेड और प्लस प्लस स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन हो तो म्यूचुअलिज्म होती है ना बेटू, म्यूचुअलिज्म आपकी होती है, सहकारिता होती है, फिर प्लस प्लस लेकिन स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन नहीं हो, इसेंशियल रिलेशन नहीं हो, आवश्यक संबंध नहीं हो तो प्रोटो कोऑपरेशन होता है। प्लस जीरो वो आप जानते कि आप कमेंसलिज्म होता है, यानी ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्ट स्पीसीज में या तो दोनों को बेनिफिट हो या किसी एक को बेनिफिट हो लेकिन अदर अनअफेक्टेड हो, तो वो आप समझ सकते हैं कि भी कमेंसलिज्म है। लेकिन आप यहाँ अच्छे से जानते हो कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है, फिर माइनस माइनस या सॉरी डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, प्लस माइनस प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, यस, और जो अमेंसलिज्म है वो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं। यहाँ आपको दिया गया बेटा कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं कि सार्क एंड सकरफिश अमेंसलिज्म, सार्क और चूसक मछली में प्रतिजीविता गलत बात हो गई, वहाँ कॉमेंसलिज्म होता है। यस बेटा, क्योंकि सकरफिश को बेनिफिट होता है। यस बेटा, और यहाँ सार्क अनफेक्टेड रहता है। इसके अलावा देखो
एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन, तो ये म्यूचुअलिज्म है। क्योंकि बेटा 100% म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि जहां इसेंशियल रिलेशन हो, यस वन कैन नॉट लाइव विदाउट अदर, यानी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सके, इसेंशियल रिलेशन हो, दृढ़ भौतिक संबंध, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन हो, लंबे समय का संबंध हो, कोइवोल्यूशन उद्विकास में देखा जाए वो म्यूचुअलिज्म होता है। और ये बेस्ट एग्जांपल है, जो सेकंड एग्जांपल है ये करेक्ट है, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ट्री, आप जानते हो आम के वृक्ष पे ऑर्किड ग्रो करता है तो आम अनअफेक्टेड है, कुछ भी नहीं हुआ और ऑर्किड को बेनिफिट होता है, तो कमेंसलिज्म है, जबकि यहाँ पर आपको दे रखा है पैरासिटिज्म, ये रॉन्ग हो जाएगा, यस। और कस्कुटाम फ्लोरिंग प्लांट, कमेंसलिज्म गलत हो जाएगा कि अंबरबेल तो पूर्ण परजीवी ही आप समझ सकते हो, कस्कुटा पूर्ण स्तंभ परजीवी आपका है, यस बेटू। तो आप जानते हैं कि भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, द अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। और आप पॉजिटिव इन इंटरेक्शंस को बहुत अच्छे से अपन लेंगे आगे भी, यस बेटू। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 पे, यानी वही पॉजिटिव जो इंटरेक्शन है वहीं पर, यस। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी का अनुकूलन नहीं है। देखिए बेटा, आप अच्छे से जानते हैं कि पैरासिटिज्म एक डेट्रीमेंटल इंट्रेक्शन है, हानिकारक अन्योन्य क्रिया है, इंटरस्पेसिफिक इंट्रेक्शन है, जिसमें आप अच्छे से जानते हो कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है प्लस यानी पैरासाइट परजीवी जो होता है उसको बेनिफिट होता है, जो होस्ट होता है उसको उसके लिए हानिकारक है, यानी उसको लॉस होता है, ये माइनस हो गया, यस। अब आप जानते हैं कि जनरली होस्ट लार्ज ही होता है, प्रीडेशन में भी ऐसे होता है, लेकिन प्रीडेशन में आप जानते हैं कि प्रीडेटर और प्रे होता है, तो प्रीडेटर को बेनिफिट होता है, प्रे को नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन वहां जनरली जो प्रे होता है वो प्रीडेटर से स्मॉल होता है जनरली, कभी कभी नहीं भी, और वहां स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होते हैं, जबकि यहां पर ज्यादातर ऑब्लिगेट पैरासाइट या स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं, तो यहाँ कोवोल्यूशन की बात हो सकती है एक बात की, है ना। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि पैरासिटिज्म, अब कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट को लंबे समय तक उसको एक्सप्लोइट करता है, लंबे समय तक शोषण करता है, डायरेक्ट किल नहीं करता, जबकि आप जानते हैं प्रेडेशन में तो कैच पकड़ा, किल मार दिया और खा गया, यस। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, लंबे समय तक होस्ट का वो एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण करता है, तो फिर धीरे धीरे होस्ट कमजोर हो जाता है। अब अपने बॉडी में इनसाइड जो इंटरनल ऑर्गन है जो एंडोपैरासाइट्स हैं, तो एंडोपैरासाइट अपने बॉडी में रहने के लिए कई सारे एडेप्टेशन लेते हैं ताकि वो अच्छे से लंबे समय वो सर्वाइव कर सके, वो कुछ ऐसे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर रखते हैं ताकि अपना इम्यून सिस्टम के प्रति वो उसका काउंट्रैक्ट कर सकें, और अपना इम्यून सिस्टम उनको खत्म करने की कोशिश करता है, तो ये एक आपस की एक इंट्रेक्शन हो गई ताकि लॉन्ग टाइम तक ये रिलेशन चल सके, यस बेटू। तो आप जानते हैं कि यहाँ देखिएगा कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो कई सारे एडेप्टेशन, तो वहां देखिएगा कि लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, अनावश्यक अंगों का लोप कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, यस। और प्रेजेंस ऑफ एडेसी ऑर्गन्स, ये भी करेक्ट है कि जो हुक्स होते हैं, सकर होते हैं या एडेसी ऑर्गन, उनकी प्रेजेंस उनमें रहती है कि होस्ट के बॉडी से या सेल से वो चिपक के रह सकें, यस बेटू। और वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गलत है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर आएगा, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर यहां पर आता लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का लोप, तो सही होता, लेकिन यहां पर आ गया कि वेल डेवलप, भाई क्यों, पैरासाइट तो जिस होस्ट की बॉडी में रहता है, होस्ट ने जो डाइजेस्ट फूड कर लिया, जो डाइजेस्टेबल फूड है, पचित जो भोजन उसमें एब्जॉर्ब करता है वो, तो आप जानते हो उसको पचित भोजन मिल रहा है तो पाचन तंत्र की क्या आवश्यकता है, और अपन अगर बाहर से कोई केमिकल ले लेंगे तो उसको तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका रॉन्ग हो गया। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाँ हो, जो पैरासाइट अपनी बॉडी में रहता है तो उसका बायोटिक पोटेंशियल हाई होता है, अपना नंबर इंक्रीज कर लेता था कि अपना इम्यून सिस्टम उसको खत्म नहीं कर सके, यस बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपका ये क्वेश्चन है, यस बेटू। तो आंसर विल बी थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, और 17 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग से आप समझिएगा, और 17 क्वेश्चन 238 पेज नंबर जो है उस पर आपका है बेटा, एनसीईआरटी 238 पेज नंबर, यस। और आप देखिएगा को इवोल्यूशन, सह उद्विकास, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटेंशन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच इंटरस्पेसिफिक इंट्रेक्शन, सह उद्विकास, सह अस्तित्व, सह विलोपन, कौन सी अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया की विशेषता है, इजी और बहुत कंसेप्चुअल यूनिक चीज,
ध्यान दीजिएगा बेटा, जो म्यूचुअलिज्म होती है, म्यूचुअलिज्म सहकारिता, तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये तो उसका एक फीचर है कि वो प्लस प्लस रिलेशन है, यानी जो इंटरेक्शन करने वाले दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, दे गेट बेनिफिट टू ईच अदर, यस। लेकिन उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है, ये इसेंशियल रिलेशन है, अनिवार्य संबंध है, आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता भैया। जन्मों जन्मों की कसम होती है, अपने तरह नहीं, एक गया तो जाने दो, अपन तो मस्त रह रहे हैं, है ना, ये जन्मों जन्मों की कसम खाते हैं। तो इसेंशियल रिलेशन है, वन कैन नॉट लाइव विदाउट अदर, एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते, अगर कोई एक खत्म हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। अच्छा सुनो, सबसे पहले कोएवोल्यूशन क्या होता है, अकॉर्डिंग इवोल्यूशन, उद्विकास के दौरान दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज ऐसे ट्राई करती हैं, ऐसे एडेप्टेशन लेती हैं कि रिलेशन मेंटेन रहे, लॉन्ग टाइम तक ये रिलेशन मेंटेन रहे बेटा, ये फिजिकल स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन है, लंबे समय तक चलता रहे, इसको आप कहते हो कोएवोल्यूशन। अगर कोई एक स्पीसीज चेंज आता है तो दूसरी भी अपने आप में इवोल्व करती है ताकि ये मेंटेन रहे रिलेशन, तो कोएवोल्यूशन हो गया, कोएवोल्यूशन हो गया भाई, ठीक है जी। हाँ, फिर देखो को एग्जिस्टेंस, भाई दोनों साथ साथ तब अस्तित्व में, अगर आपने दोनों को अलग कर दिया तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हो गया, यस बेटा, ये लो जी को एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा बेटा कि को एक्सटिंक्शन मतलब सह विलोपन, कि कोई एक विलुप्त होगा तो एक स्वतः विलुप्त हो जाएगा। अब यहां पर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर रखा मेरे बेटू, ऐसा कोएवोल्यूशन या कोएग्जिस्टेंस ज्यादातर 100% तो म्यूचुअलिज्म में होता है, लेकिन कुछ पैरासिटिज्म के एग्जांपल में भी होता है, जो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी, लेकिन कुछ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट भी होते हैं कि नॉर्मली अपने होस्ट में सर्वाइव करते हैं लेकिन बिना होस्ट के भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हो, यहां देखो ऑप्शन के अंदर म्यूचुअलिज्म भी है, ऑप्शन में पैरासिटिज्म भी है। भाई देखो प्रोटोकॉपरेशन तो एक ऐसा है कि दोनों अगर इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों को बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो आराम से दूर दूर रह लेंगे, यस। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, और प्रभक्षण भी कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन कंफ्यूज आपको कर रहा है म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि म्यूचुअलिज्म में 100% इसेंशियलिटी है, इसलिए यहां पर मोर करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो म्यूचुअलिज्म होगा, आंसर विल बी फर्स्ट। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इन चीजों को आप एनसेट से अच्छा क्लियर करें, यस बेटू। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी एनसेट पेज नंबर 235 से रिलेटेड है, एनसेट पेज नंबर 235। मोस्ट ऑफ के मैं आपके सामने पेज नंबर लिख रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो जाए तो बेटा इसमें एरर की, इतनी सारी चीजें वैसे इन्वॉल्व करना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए किया कि आप एनसीईआरटी से इकोलॉजी को तैयार कर सके और 10 के 10 क्वेश्चन सही कर सके। तो आ जाइए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, निम्न में से कौन से नियम क्रिया जिसमें दोनों सहभागी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो नेगेटिव इंटरेक्शंस होती हैं, और वहां जैसे प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में तो एक के लिए वो हानिकारक होती है, डेट्रीमेंटल होती है, दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बोथ आर एडवर्सली अफेक्टेड, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को लॉस हो एक दूसरे से, तो आप समझ सकते हैं वो आपका होता है कॉम्पिटिशन, आपका होता है स्पर्धा, क्योंकि जो स्पर्धा करती हैं तो दोनों ही जातियां पर थोड़ा बहुत प्रभाव आता है, हालांकि एक सुपीरियर की से इन्फीरियर को ज्यादा वहां नुकसान होता है, लेकिन फिर भी ये आपका होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, यस बेटा, और क्वेश्चन नंबर जो 19 है एनसीईआरटी पेज नंबर 247, यस। इसके आगे मैं आपको एनर्जी पिरामिड की बात भी करूंगा, और वहां आपको अच्छे से जो रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, पारिस्थिति का जो 10% नियम है लिंडमान ने दिया था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा देखो, यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, कि जो सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन, तो टोटल सोलर रेडिएशन क्या होती है बेटा, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ISR। अब ISR में जितनी रेडिएशन है वो तो फोटोसिंथेटिक के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हो कि अवेलेबल भी होगी, तो प्लांट उसको तो कैप्चर ही नहीं कर सकता, कुछ को तो, और कुछ में तो पॉसिबल नहीं कि फोटोसिंथेसिस हो सके,
तो फिर लेस देन 50% 50% से कम होता है पार। पार होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण सौर नियतांक, और उसका रेंज होता है विबग्योर, यस मेरे बेटू विबग्योर, और विबग्योर की रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। मैंने आपके सामने तीन नीट के क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, 400 से 700 नैनोमीटर होती है मेरे बेटा, यस विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इस पार का तो 2 से 10% पौधे अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, और ISR का 1 से 5, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। जब इस इकोलॉजी पिरामिड में अपन एनर्जी ट्रांसफर वेरियस ट्रॉफिक लेवल में स्टडी करेंगे, तो आपको सोलर रेडिएशन से 1% आपको लेना है, 1 to 1.5 रेंज होती है, लेकिन आपको सोलर रेडिएशन से आपको लेना है 1%, ठीक है। फिर आप ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, ट्रॉफिक लेवल में आप जाएंगे तो वहां आपको रूल लगाना है 10%, यानी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल में, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगा तो एक लार्ज फ्रैक्शन, एक लार्ज पार्ट का लॉस हो जाएगा 90% का, और ओनली 10% ट्रांसफर आपका होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी से, सनलाइट से 1% आपको लेना है। आपके सामने यहां पर 17,000 जूल है, तो पीपी पर आपका 1% आप लोगे तो 7,000 आएगा, ये 700 आएगा, यस बेटू। और फिर आप समझ सकते हैं कि 700 का यहां पर आप समझ सकते हैं कि 70 फिर 7 आपका आएगा, यस। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, क्योंकि आपसे पूछा है सूर्य का प्रकाश इतना है, पीपी पीसी एससी पीपी स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो पीपी स्तर पर आपकी क्या होगी, 700 जूल, क्योंकि सनलाइट से आपको 1% लेना है, और ट्रॉफिक लेवल्स में आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, 10% रूल फॉलो करना है, यस बेटू। तो अकॉर्डिंग थर्ड आंसर हो गया ना, यस। और आप समझ सकते हैं कि देखिएगा ये आपका 19 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इससे आगे मैं आपको पिरामिड में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, यस। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और जो क्वेश्चन नंबर बेटा 20 है वो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 254 सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, यस। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑफ द कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली, यानी जो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रतिवर्ष कितना कार्बन को फिक्स करते हैं, तो वहां देख के दे रखा आपको सीधा डेटा दे रखा है कि 4 × 10^13 किलोग्राम CO2 फिक्सेशन पर ईयर आपका होता है, तो आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है पेज नंबर 249 पे है बेटा, और यहां आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड की बात आपसे की है। तो क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे, देखो, असेंडिंग ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन पिरामिड रिप्रेजेंट, चारण घास स्थल खाद्य श्रृंखला पिरामिड में पोषक स्तर का आरोही क्रम दर्शाता है। अगर अपन यहां ग्रेजिंग फूड चेन ले रहे हैं, और फिर आप समझ सकते हो कि ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर अगर अपन प्राइमरी प्रोड्यूसर की नंबर भी सबसे ज्यादा होता है और बायोमास भी, फिर आप जानते हो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अंदर वहां ये डिक्रीज होता जाता है, यस। तो आपको दे रखा है ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम अपेक्स टू बेस, नहीं होगा। ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टर्शियरी कंज्यूमर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर जैव भार में कमी होती है, क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर बायोमास का पिरामिड अपराइट ही आता है, सीधा ही आता है बेटा, यस। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड, बाकी ग्रेजुअल इंक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर जैव भार में लगातार वृद्धि, ऐसा नहीं होगा, यस बेटू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका 22 है 262 पेज नंबर पे आपका है, ये तो नॉर्मल साइंटिस्ट का क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि भाई स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय, आगे मैं आपको समझाऊंगा भी जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, इसका इक्वेशन भी समझाऊंगा कि लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, यस। तो आप समझ सकते हैं, पूरा आपको समझाऊंगा, अभी आपको साइंटिस्ट का नाम यहां पर पूछा, वॉन हम्बोल्ट, वॉन हम्बोल्ट आप जानते हो एक्सप्लोरिंग साउथ अमेरिकन जंगल, यानी दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का अध्ययन गहन अन्वेषण उन्होंने किया था, जाति क्षेत्र संबंध वहां पर दिया था, तभी आपका था वॉन हम्बोल्ट, तो आंसर आपका क्या हो गया, 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23,
और जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 23 है वो आप समझ सकते हो कि जनरल इंफॉर्मेशन है। यस, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचिंग पेयर, भाई निम्न में से कौन सा सही चयनित हुआ है। तो ये अलग अलग टॉपिक से अलग अलग लाइन से आपका लिया गया है। नेटलिटी आप जानते हो, देखो बेटा एक अकेला ऑर्गेनिज्म एक वेस्टि होती है, वो जन्मता है मरता है, लेकिन नेटलिटी मोर्टलिटी ये किसका एट्रीब्यूट्स है, पॉपुलेशन के। नेटलिटी मोर्टलिटी सेक्स रेशियो ये एक समष्टि के गुण है। यस बेटू, तो यहाँ पर देखिए नेटलिटी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गलत हो जाएगा। यस, स्ट्रेटिफिकेशन बायोटिक कम्युनिटी स्तर विन्यास जैविक समुदाय सही है। यस, क्योंकि जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है स्तर विन्यास, जैसे आपको इकोसिस्टम टॉपिक में शुरू में दे रखा है कि हाइट के अकॉर्डिंग जो लेवल होते हैं प्लांट के, हर्ब सर्ब मिडिल ट्री लार्ज ट्री वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। यस, वहाँ पर आप बताएंगे जैसे ये फर है, फिर ये हर्ब है, फिर ये ऐसे सर्ब है, और फिर आप जानते हो कि ट्रीज ये लेवल्स हैं, तो हाइट के अकॉर्डिंग लेवल पे ऑप्टिमम सनलाइट को लेने के लिए तो आपका होता है स्ट्रेटिफिकेशन। हमेशा स्ट्रेटिफिकेशन हुआ सक्सेशन हुआ, ये बायोटिक कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, तो ये करेक्ट है। सक्सेशन पॉपुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि सक्सेशन बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि किसी भी हैबिटेट में जो बायोटिक कम्युनिटी जोन में सीरीज और सिक्वेंशियल आपके चेंजेस होते हैं, वही तो आपका क्या है सक्सेशन होता है, ऑर्डरली चेंजेस जो होते हैं कर्मिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। यस बेटू, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है वो इनिशियली जब शुरू के अंदर आपका जो बायोम का एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो देखिए बेटा द बायोम विच अकर एट हाईएस्ट एटीट्यूड माउंटेन हैविंग परमानेंट स्नोइंग्स, जियोम जो पहाड़ों की सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, निरंतर बर्फबारी। ये आपका एनसीईआरटी का जो बायोम का एक डायग्राम दे रखा है वहां पर नीचे लिख रखा है बेटा एल्पाइन और आर्कटिक टुंड्रा। इन दो शब्दों में अंतर भी मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। यदि देखिए बेटा आप अर्थ का लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट अक्षांश प्रवणता पढ़ते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन जलवायु जो क्षेत्र पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं सबसे लोवेस्ट लैटिट्यूड जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो किसको शो करता है, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा, है ना बेटू, भूमध्य रेखा को करता है, नहीं करता। यस, अब यहां से आप 0 से 23 हाफ नॉर्थ और इधर आप 23 हाफ साउथ। यस बेटा, करक और मकर रेखा जो ट्रॉफिक कैंकर जो आप समझ सकते हो। यस, ये आपका ट्रॉफिकल रीजन है, ट्रॉफिकल रीजन, लेकिन इसमें मेन ट्रॉफिक यहां फिर सब ट्रॉफिकल आ जाता है। फिर आप जानते हो कि 66 हाफ नॉर्थ ये टेम्परेट रीजन और अपर पार्ट आपका होता है कॉनिफर्स, और ये आपका नॉर्थ पोल आर्कटिक और ये अंटार्कटिक साउथ पोल। तो ये जो आर्कटिक अंटार्कटिक है ये आर्कटिक टुंड्रा है बेटा, लेकिन ये तो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन है, और ये तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। और अपने एक बात कही थी कि अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाते हो, केवीपीआई का क्वेश्चन भी है, तो रेनफॉल है, बायोडाइवर्सिटी है, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। और अगर आप हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर आते हो तो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, बायोडाइवर्सिटी विल बी इनक्रीज। यस बेटू, बहुत अच्छे से आपको बता दिया। जैसा ये स्ट्रेटिफिकेशन हॉरिजॉन्टल, सेम है कि अगर आप प्लेन एरिया समतल मैदानों से आप माउंटेन टॉप पर जाते हो, यानी एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, बहुत ही ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष पे या ऊंचाई पे जाते हो, 3500 मीटर से भी ऊंचाई पे जाते हो, तो वो सेम आपको ये स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन वहां के टुंड्रा को आप बोलते हो एल्पाइन टुंड्रा। अगर किसी पर्वत की चोटी पे बर्फ जमा है तो एल्पाइन टुंड्रा है। यस बेटू, तो यहाँ आपका आंसर होगा एल्पाइन टुंड्रा, ना क्या आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यस बेटा, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 25 है, पेज नंबर 247 जो एनसीईआरटी का है, सिंपल आपका क्वेश्चन है। यस बेटू, स्टैंडिंग क्रॉप इज द अमाउंट ऑफ अर्जेंट। यस बेटा, ए यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम एक पारितंत्र की इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित खालिस्तान खड़ी फसल कहलाती है, क्या है स्टैंडिंग क्रॉप।
एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ले लो, जैसे अपन ग्रासलैंड में अपन पिरामिड पढ़े तो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पीपी स्तर प्राइमरी प्रोड्यूस लेवल या पीसी या एससी या टीसी, तो तुम पर्टिकुलर कोई ट्रॉफिक लेवल ले सकते हो या पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग बायोमास है। अब लिविंग बायोमास में भी यानी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जीवित कार्बनिक पदार्थ लिविंग बायोमास, उसमें भी दो बात है फ्रेश वेट और ड्राई, तो विथ वाटर और विदाउट वाटर, तो ज्यादा उचित या मोर अपोप्राइट कौन है ड्राई वेट, या पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं, इसको आप कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप जो लिविंग से लिविंग में ही सर्कुलेट करती है प्रभावित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और आप समझ सकते हैं कि लिविंग बायोमास हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा बेटा, आंसर विल बी सेकंड, बाकी आप समझ सकते हैं कि वो अदर नहीं होंगे। यस बेटू, तो आंसर आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर जो 26 है आप समझ सकते हैं कि आपको सिंपल वे में एक साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन पूछी है कि भाई हु डेवलप्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो पिरामिड का कंसेप्ट दिया था वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, एल्टोनियन पिरामिड अपन बोलते हैं उसको, तो यहां पर आपका सीधा हो जाएगा एल्टन, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर जो आपका बेटा 27 है वो नॉर्मली क्या है देखिएगा, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट ऑपरेट एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को बताइए जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को होल्ड करता है, यहां ऑप्शन दे रखा है फाइटोप्लैंकटन, तो भैया देखो अर्थ के ऊपर जो भी ऑटोट्रॉफ है चाहे फोटोट्रॉफ हो प्रकाशोपोषी हो चाहे कीमोटोट्रॉफ हो रसायनोपोषी हो, वो ऑलवेज किसको करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी को, फिर जो सीधे तौर पे ऐसे साकार जो सीधे तौर पे प्लांट को खाते हैं वो आप पीसी होते हैं, इसका ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज वन होता है, इसका ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज क्या होता है T2, ये कभी चेंज नहीं होते है ना। खरगोश है पादप अक्षी कीट है भेड़िया वो सॉरी हिरण है गाय भैंस भेड़ बकरी है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में जानते हो जैसे आप जानते हो कि यहाँ खरगोश है उसको आप जानते हो कि वॉल्फ आ गया तो ये T3 हो गया प्राइमरी कार्निवर्स, और इस पर टाइगर तो ये आपका टॉप कार्निवर्स हो गया T4 आपका हो गया। यस, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ आपसे क्या कहा है कि भाई एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को मेंटेन कर सके, तो आप जानते हो मानव है ना ह्यूमन, अपन कभी कभी साग सब्जी खाएं तो T2 में आ जाते हैं उस टाइम के लिए, फिर अपन अगर नॉर्मल कार्निवर्स हो जाएं जैसे गोट का मीट या फिर आप समझ सकते हैं कि चिकन अपन खाएं तो अपन T3 में आ जाते हैं, और अपन टॉप कार्निवर्स भी हो सकते हैं T4 भी हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं तीनों से रिलेट हो सकता है, एक ही टाइम पर मनुष्य बैठा बैठा सलाद भी खा सकता है, फिर आप जानते हो शौकीन बढ़ जाए तो मीट और चिकन भी खा सकता है। यस, तो यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन, क्योंकि देखो फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर है पीपी है, ये रैबिट हमेशा पीसी होता है, और टाइगर टॉप कार्निवोरस है, ह्यूमन आप जेंडर ट्रॉफिक लेवल चेंज कर सकता है, तो आप जानते हैं आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, और जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 28 है 247 पेज नंबर पे, अभी मैंने पहले भी आपको पिरामिड बताया कि 1% ट्रांसफर वाला, तो वही आपको सामने शो करो, और पिरामिड की लिमिटेशन भी है कि भाई डिकम्पोजर इंक्लूड नहीं करते और वहाँ फूड चैन लेते हैं, जबकि नेचर में फूड चैन का एग्जिस्टेंस नहीं, फूड वेब है, तो वो अपन एक कंसेप्ट देते हैं, बाकी उसके ड्रॉबैक अगर इंक्लूड अपन को करना चाहिए। वैसे सनलाइट से 1% ट्रांसफर होता है प्लांट में, बाकी ट्रॉफिक लेवल में 10%, लेकिन जानते हो डेट्रिटस फूड चैन होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोजर पे अपन ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़्यादा हो सकता है फ्रैक्शन। यस, तो देखिए बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जैसे आपको सनलाइट से 1% लेना है सनलाइट से सोलर रेडिएशन से, बाकी जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में आपको ऑलवेज कौन सा रूल फॉलो करना है रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% जो लिंडमान ने प्रोवाइड किया था, क्या कहा था कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जब लोअर से हायर पर एनर्जी जाएगी तो 10% ट्रांसफर होगा 90% का क्या होगा लॉस होगा। ये लो जी आंसर 4 हो गया, लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से कंसेप्ट और सिखा देता हूँ, आगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, अपन फटाफट उन क्वेश्चन को कर सकें, और आप इकोलॉजी को बहुत अच्छे लेवल पे एक कॉन्सेप्ट के साथ आप आइडियाज को क्रिएट करते हुए अच्छी चीज़ों को आप सीख सकें। तो डायग्राम देखिएगा,
ये आपका डायग्राम है, यस बिटू, ये एनर्जी फूड पिरामिड है। जनरली अपन बुक में जब एनर्जी पिरामिड देते हैं तो कभी भी अपन डीकम्पोजर इंक्लूड ही नहीं करते, उसकी लिमिटेशन भी है, कमी भी है। अपन यहाँ से करते हैं प्रोड्यूसर ऑटोट्रोपरी। तो देखो बेटा, यहाँ तो अपन जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से डीकम्पोजर भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपन ज़्यादा फ्रैक्शन एनर्जी का होता है, अपन डेट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं। लेकिन अगर अपन ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो सनलाइट से 1%, सनलाइट से 1% प्रोड्यूसर पे आएगा। और फिर देखो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ देखो ट्रॉफिक लेवल आपको यही बता रखे हैं, ये आप जानते हैं कि पीपीए ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, ट्रॉफिक लेवल सेकंड है, ट्रॉफिक लेवल थर्ड भी हो सकता है, फोर और फाइव भी हो सकता है। ये पीपी है, ये पीसी है, ये एससीएससी दो हो गए, और ये टीसी आपका है, यस बेटा। तो आप जानते हो, फूड चेन में आपको बता दूं कि जैसे ग्रास है तो ग्रास होगी, ग्रास के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रैट है, चूहा है, चूहे को सांप स्नैक है, ठीक है, और फिर हॉक पिकॉक है, ऐसे आ जाए, यस बेटू। तो आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 10%, ठीक है, 10% रूल, 10% ऑफ द एनर्जी हार्वेस्टेड एट ए लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड अप टू द नेक्स्ट हाई ट्रॉफिक लेवल, और 90% का क्या होता है, लॉस। और इतना बड़ा हास होता है तभी तो निरंतर सोलर रेडिएशन से आपूर्ति होती रहती है, ताकि यहाँ कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। सेकंड लो जो बताता है, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी का जो पिरामिड है या एनर्जी ट्रांसफर है, वो ना तो फर्स्ट लो और दोनों सेकंड लो दोनों को फॉलो करती है, यस बेटू। तो ऐसे अपन ने सारी बातें की। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपका जो है, यस बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये जो 29 आपका क्वेश्चन है ना बेटा, ये KUPI पेपर का है, यस। और आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन फूड चेन विल नॉट रिजल्ट इन कंप्लीट कॉलैप्स द फूड चेन। दी गई खाद्य श्रृंखला में से कौन से घटकों को हटाने पर खाद्य श्रृंखला पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। देखो बेटा, किसी भी इकोसिस्टम को रन कराने के लिए दो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। तभी तो बेटा आप एक वाटर की ड्रॉप को, एक जल की बूंद को, वाटर ड्रॉप को आप इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, पारितंत्र मान सकते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉप के अंदर फाइटोप्लैंकटन है जो फोटोसिंथेटिक है, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। जब फाइटोप्लैंकटन की डेथ होती है, फाइटोप्लैंकटन की आप समझ सकते हैं बेटा कि, देखो मैं वापस से बताता हूं, फाइटोप्लैंकटन है वाटर के अंदर, और फाइटोप्लैंकटन पादप पलवक, डायटम, डेस्मिड, जब इनकी डेथ होती है तो डीकम्पोजर को मिल जाता है मटेरियल, डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर उनका डीकम्पोजन करके वापस मिनरल इनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हो गया और मिनरल साइक्लिंग भी हो गई। किसी भी इकोसिस्टम को रन करने के लिए दो कंपोनेंट इसेंशियल है, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। मैक्रो कंज्यूमर नहीं हो तो चलेगा। और दो फंक्शन भी इसेंशियल है, आप समझ सकते हैं, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, समझ गए ना। ये दोनों चीजें यहाँ पर ईजीओ में एक जल की बूंद में हो रही है। इसलिए बेटा आप जानते हो कि प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। अगर आप ये जो मैक्रो कंज्यूमर होते हैं, ग्रुप उपभोक्ता क्या होते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, उनको अठा भी दो। जबकि अपघटक क्या होते हैं, पहले पचाते हैं, मर्द कार्बनिक पदार्थ में पहले डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, पहले पचाते हैं फिर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक को वापस इनऑर्गेनिक मिनरल में चेंज करते हैं। इसलिए आप जानते हो कि प्रोड्यूसर डिकम्पोज होना जरूरी है। मैक्रो कंज्यूमर को अठा भी दोगे तो इकोसिस्टम रन कर सकता है, और कोई भी फूड चेन आप रन कर सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर अपन डिकम्पोजर को दिखाते ही नहीं, फिर ये कैसे चलती हैं। बेटा वो आपको केवल फूड चेन बता रहे हैं कि उसकी लिमिटेशन यही तो है कि ग्रेजिंग फूड चेन में डिकम्पोजर को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए वो इनकम्प्लीट है। अगर अपन को डिकम्पोजर को रखना पड़े तो सबसे हायर लेवल पे, सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर सबसे न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे बेटा, आप जानते हैं कि जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में आपको बताता हूँ कि जैसे प्रोड्यूसर है, फिर आप जानते हो कि कंज्यूमर है ना, जैसे पीपी, पीसी, एससी, टीसी, मान लो चार ट्रॉफिक लेवल में है। अब अगर मान लो डेथ हो जाएगी, चाहे पीपी की डेथ हो, किसी पौधे का अवशेष हो, चाहे किसी भी जंतु की डेथ हो, ये डेट्रिटस बन गया। सबसे एनर्जी लेगा कौन, डीकम्पोजर। इसलिए अगर रखना पड़े तो सबसे टॉप पे आएगा, यस बेटू। ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें सिखाती है कि आपका सीधी सी बात आ जाएगी कि प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर है ना,
भाई आप जानते हैं कि दीघी खाद्य संग्रह कौन से घटकों को हटाने पर खाद्य संग्रह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगी। भाई आप जानते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर इनको हटाने पर खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका क्वेश्चन एनएसबी 2020-19 आप समझ सकते हैं बायोलंपियाड का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस बेटू, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ एनर्जी एंड मिनरल मूवमेंट इन इकोसिस्टम। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और खनिज की गति का सरलीकृत मॉडल का सही प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी भी इकोसिस्टम को रन कराने के लिए दो कंपोनेंट इसेंशियल है, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर, और दो फंक्शन इसेंशियल है, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यस, बाकी फंक्शनल आस्पेक्ट चार होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और आप जानते हैं कि कंपोनेंट अगर अपन पूरी बात करें तो प्रोड्यूसर भी होते हैं कंज्यूमर में, शाकाहारी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर भी, और माइक्रो कंज्यूमर जो डिकम्पोजर भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे सरलीकृत मॉडल होगा, तो देखिए कि बेटा अपन यहाँ क्या करते हैं कि एनर्जी फ्लो, एनर्जी किसके रूप में फ्लो करती है, फूड के रूप में। भाई आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो किसके रूप में होता है, फूड एनर्जी के रूप में तो होता है, खाद्य पदार्थों के रूप में तो होता है। यस, और अपन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इस एरो से बता दें, ठीक है मेरे बेटा। अब देखिएगा यहाँ इस ऑप्शन में देखो, सोलर से रेडिएशन है एनर्जी प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर से एनर्जी और मिनरल, क्योंकि इन प्रोड्यूसर ने सोयल से मिनरल भी लिए, तो प्रोड्यूसर से एनर्जी भी और मिनरल भी, हर्बिवोरस या जो भी कार्निवोरस मतलब कंज्यूमर आ गए। आप देखो प्रोड्यूसर की डेथ हुई, कोई भी पादप के भाग मृत अवशेष शाखा पत्ती पुष्प, या कोई भी एनिमल की डेथ होती है तो आप समझ सकते हैं कि डेट्रिटस अपरद मृत जैव मास, मृत जैव भाग, डेड बायोमास इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसे तो डेड बायोमास का ढेर ही लगता रहेगा, तो ये जो डिकम्पोजर हैं, ये डिकम्पोजर तो हर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी लेते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल से न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी लिविंग की डेथ होगी तो डेट्रिटस अपरद बनेगा, और अपरद इनके लिए रॉ मटेरियल है, अपरद को ये यूज करते हैं। यस, अब अपरद पर डिकम्पोजर काम करेंगे, तो डिकम्पोजर क्या करेंगे कि अपरद को जैसे ही डिकम्पोज करेंगे डाइजेस्टर रिलीज करके, पहले आप जानते हो उस डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को सिंपल इनऑर्गेनिक में, और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करेंगे, तो बाद में मिनरल रिलीज करेंगे सोयल में, सोयल में ओनली क्या रिलीज करेंगे, मिनरल, ये मिनरल आ गए, और ये मिनरल किसको मिलेंगे, प्लांट को। तो तुम जानते हो कि लिविंग लिविंग बायोमास, तो यानी स्टैंडिंग क्रॉप तो लिविंग से लिविंग ही हो सकती है, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, स्टैंडिंग स्टेट होती है, वो नॉन लिविंग से लिविंग में ट्रांसफर हो सकती है। तो सबसे सिंप्लीफाइड मॉडल जो आपका यहाँ पर होगा वो आंसर इसका क्या होगा, एक होगा। यस बेटू, इसके अलावा देखो अदर अपन लेते हैं कि सन प्रोड्यूसर, तो ये एनर्जी भी गई न्यूट्रिएंट भी गए, लेकिन यहाँ देखो एनर्जी न्यूट्रिएंट दोनों आते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये भी आना चाहिए था। यस बेटू, और ये नहीं हो सकता ऐसे कि डिकम्पोजर से सॉइल में ओनली न्यूट्रिएंट आते हैं। यस बेटू, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड क्वेश्चन आप अच्छे लेवल पे कर पा रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं, और आप ताकि अच्छे से सोच सकें, एक एक लाइन पे आंसर पे आप काम कर सकें। यस मेरे बेटा, तो आंसर विल बी फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। यस, और बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 था, आप जानते हो 246 पेज नंबर पे था, 31 भी उससे रिलेटेड अभी मैंने जो समझाया वही है। यस बेटा देखो, इफ डिकम्पोजर आर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम इकोसिस्टम, फंक्शनिंग इज बैडली अफेक्टेड, बिकॉज कि अगर आप पारितंत्र से अपघटन कर्ताओं को हटा दोगे तो बहुत बुरी तरह से उसके फंक्शन अफेक्ट होंगे, क्योंकि पॉसिबली नहीं, डिकम्पोजर तो इसेंशियल कंपोनेंट है, आवश्यक घटक है, तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रुक जाएगी। यस बेटा, रेट ऑफ डिकम्पोजन ऑफ अदर कंपोनेंट विल बी वेरी हाई, ऐसा नहीं होगा। हर्बिवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, आंसर विल बी थर्ड, खनिजों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। तो प्लांट को इनपुट के रूप में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। भाई इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम कब अच्छे से रन करता है, कब वो हेल्थी रहता है, जब उसमें इनपुट उसका है ना वो आउटपुट से ज्यादा हो। इनपुट के रूप में क्या होता है, सनलाइट जो प्रोड्यूसर प्लांट कैप्चर करते हैं, और सॉइल से क्या लेते हैं, मिनरल, ये इनपुट है। और आप जानते हैं कि आउटपुट क्या है, लॉस ऑफ मिनरल और वाटर का लॉस रेट जो है ये आउटपुट है, लेकिन इनपुट से आउटपुट कम ही होना चाहिए या बराबर। अगर आउटपुट ज्यादा हो गया
जैसे आपने अति दोहन कर लिया, ओवर एक्सप्लोटेशन कर लिया, जंगल को लकड़ी के लिए काट लिया, तो आउटपुट ज्यादा हो गया तो फिर इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, नष्ट हो सकता है। यस बेटू, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। मल्टी स्टोरेड वेजिटेशन इन द कैरेक्टर्स ऑफ बहुमंजिले वन। तो ये आपका इकोसिस्टम से ही जो शुरुआत वाला पेज है वहीं से आपका लिया गया है बेटा। मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे ये फर है, फिर घास आ जाएगी, हर्ब आ जाएगी, फिर आप जानते हो कि थोड़े से अंडरसर्ब, और फिर स्मॉल ट्री है, फिर थोड़े से मीडियम साइज ट्री, और फिर लार्ज ट्री, और लीना सेकंड लताएं हैं, जो भी अधिपादप एपिफाइट्स हैं। तो ये लेवल ऑफ हाइट है, और इसको आप कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। जो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप जानते हो ट्रॉपिकल के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल डेसिड्यूज, टेम्परेट कोनिफर्स, और फिर टुंड्रा, ये तो आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, और ये हाइट के अकॉर्डिंग आपका होता है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये इनको आप अलग अलग मंजिल नहीं होगी, बहुमंजिला वन किनको कहते हो, वर्षा वनों को कहते हो यार, है ना। तो आप समझ सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर विल बी फर्स्ट। यस मेरे बेटा, नेक्स्ट अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इज माइनस माइनस। तो पहले भी आ चुका कि एडवर्सली अफेक्टेड दोनों होंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अलग है कि माइनस माइनस इंटरेक्शन आप क्या कहोगे, कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को एक दूसरे से थोड़ा हार्म होगा, हानि होगी, एक को ज्यादा हो सकती है एक को कम होगी, लेकिन बायोटिक पोटेंशियल पे दोनों पे इफेक्ट आता है आर वैल्यू पे, तो ये आपका होता है कॉम्पिटिशन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। यस नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। और जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 34 है, इनिशियली आपने बायोम को देखा होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। बायोम हैविंग लीस्ट वेरिएशन ऑफ एवरेज टेम्परेचर। देखो बेटा कि यहाँ आपको ये मैंने बार बार बता दिया, नियर इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर के आसपास आपके होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और आपको जो एक साइड का जैसे 0 डिग्री से नॉर्थ पोल, यस, या फिर अपन कहें कि प्लेन एरिया से माउंटेन टिप का जो आपको बायोम बता रखा, तो वहाँ देखो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बता रखा थ्रू आउट ईयर, वहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, हाई रेनफॉल है, हाई ह्यूमिडिटी है, और बायोडायवर्सिटी सबसे रिच एरिया है। फिर आप समझ सकते हो कि वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे रखा है, फिर टेम्परेट दे रखा है, फिर कोनीफर्स ऐसे दे रखा है, फिर आप अपन टुंड्रा एल्पाइन टुंड्रा पे आते हैं, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा पे। यस बेटू, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सीधी सी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थ्रू आउट ईयर टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, थ्रू आउट ईयर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कॉन्स्टेंट सी रहती है, इसलिए वहाँ की बायोडायवर्सिटी सबसे हाई है, क्योंकि वहाँ मौसम या क्लाइमेट बहुत पहले स्टेबल हो गया था, तो स्पीशीज़न जाति उद्भवन को समय मिल गया, और स्पीशीज़न जाति का उद्भवन एक समय का कार्य है, फंक्शन ऑफ टाइम। यस बेटा, तो डार्विन ने ये बात कही थी, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। यस बेटा, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 235 पेज नंबर जो एनसीईआरटी का है, यहाँ पर सीधा आपसे इतना सा पूछा है कि कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज कि जब कंपटीशन हो रही है तो आप जानते हैं कि सुपीरियर स्पीसीज होती है, सुपीरियर स्पीसीज होती है, और इनफीरियर स्पीसीज होती है। तो बेटा आप जानते हैं कि जो इनफीरियर स्पीसीज है ना, वो लॉन्ग टाइम तक इसके साथ नहीं रह सकती है, आप जानते हैं, या तो उसको प्लेस छोड़ना पड़ेगा, एलिमेंट हो जाएगी। यस, तो आप समझ सकते हैं बेटा, लेकिन नेचर में ये ऐसे उदाहरण मिले ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि बहिष्कार की जगह को एग्जिस्टेंस ज्यादा महत्व मिलता है। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव रिलीज किस बेसिस पे आया था, कि अगर मान लो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज वहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो सुपीरियर स्पीसीज को अगर वहां से हटाया जाए तो इन्फीरियर अपना एरिया बढ़ाएगी। जैसे वहां पर आपका बॉर्निकल बैलेनस है वो सुपीरियर है, और बॉर्निकल चैथमेलस है वो इन्फीरियर है। यस, तो बॉर्निकल बैलेनस को वहां से हटाओगे तो चैथमेलस अपना एरिया बढ़ाएगा, ये आपका होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। जो कोनेल्स एक्सपेरिमेंट, कोनेल एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, कोनेल ने वहां जो स्कॉटलैंड के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर एक्सपेरिमेंट दिया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। यस बेटू, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारितंत्र के अभिलक्षण लक्षण। बेटा जानते हो, एक तो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस हमेशा आर्टिफिशियल से ज्यादा ही रहता है, उनमें एनवायरमेंट के प्रति जो इक्विलिब्रियम होता है, साम्य है, वो ज्यादा स्थापित रहता है, क्योंकि
उनकी बायोडाइवर्सिटी हाई है, इंट्रैक्शन हाई है, यस कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उनकी प्रोडक्टिविटी कंपेरेटिव वैसे ट्रॉफिक रेनफॉरेस्ट से ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी शुगर कैन फील्ड की अगर अपन आर्टिफिशियल में प्रोडक्टिविटी देखें तो हाई होती है। बाकी आप जानते हो कि हाई डाइवर्सिटी कभी नहीं, लो डाइवर्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन कभी नहीं, सिंपल फूड चेन होती है, मोर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होती है, लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। तो यहाँ से एक ही करेक्टर से करेक्टर रिलेट आ जाएगा हाई प्रोडक्टिविटी। यस बेटू, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज पाइनियर ऑर्गेनिज्म बेयर रॉक। निम्नलिखित में से कौन से नग्न चट्टान पर पुरोगामी जीव के रूप में प्रकट होते हैं? तो देखिए बेटा, मैं आपको सक्सेशन बताता हूँ। बायोटिक सक्सेशन, जैविक अनुक्रमण, जो बायोटिक कम्युनिटी जैविक समुदाय का एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। किसी भी स्थान पर जो समुदायों में कर्मिक रूप से परिवर्तन होते हैं, सिक्वेंशियल और ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, वही आपका क्या होता है, सक्सेशन होता है। मान लो एक टाइम था जब टेरेस्ट्रियल रीजन में स्थल पर वनस्पति नहीं थी, वेजिटेशन नहीं, तो एनिमल कहाँ से होंगे? जो लाइफ थी वो एक्वेटिक थी, जल में ही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेयर रॉक है, नग्न चट्टाने हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई पाइनियर आया होगा। जब नमी रही तो लाइकेन के रूप में आपके जानते हो क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फिर उन्होंने थोड़ा विदरिंग किया रॉक्स का, विदरिंग किया तो सोयल फॉर्मेशन भी बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका डेथ भी हुई। तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ना जरूरी था, ह्यूमस का बढ़ना जरूरी था, नेक्स्ट कम्युनिटी को आने का न्योता दिया उन्होंने, यस। तो फिर आप जानते हो मॉस, पोलिट्राइकम स्पेशली, जीरी कंडीशन को जो सहन कर सके। फिर आप जानते हो हर्ब है, फिर आप जानते हो कि सर्ब, और फिर आपके ग्रासलैंड एंड हर्ब, ग्रासलैंड और ऐसे सर्ब होते हुए क्लाइमैक्स कम्युनिटी मिजिक और आ गई। तो बेटा देखो, किसी भी बेयर एरिया में, अगर बेयर एरिया क्या है, नग्न क्षेत्र क्या है, नेग्ड या बेयर एरिया क्या है, कि वहाँ पर पहले किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर मौजूद नहीं था, नो एनी ऑर्गेनिक मैटर। अगर आप न्यूली फॉर्म पॉन्ड लोगे तो फाइटोप्लैंकटन आएंगे, और आप अगर मान लो कि टेरेस्ट्रियल रीजन लेते हो, लीथो सिरे जीरो सिरे की बात करते हो, तो एक नग्न चट्टान की बात करोगे, तो उस नग्न चट्टान पे बेयर रॉक पे जो सबसे पहले स्पीसीज आती हैं उसको आप बोलते हो पाइनियर, पाइनियर प्लांट्स। ये पाइनियर प्लांट बेटा पुरोगामी समुदाय है, पुरोगामी समुदाय, ठीक है। फिर आप जानते हो इंटरमीडिएट जो सीरियल स्टेज है, ये टेम्परेरी जो आप जानते हैं इंटरमीडिएट सीरियल स्टेज, तो ये आपकी होती है सीरियल स्टेजेस, जो ऑर्डरली सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं, और फाइनल तुम जानते हो कि उसके अंदर फॉरेस्ट आ जाते हैं, तो वो आपकी आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चाहे पॉन्ड में स्टार्ट होगी हाइड्रिक कंडीशन में तो भी मिजिक की ओर, और अगर न्यूली कूल्ड लावा या फिर चट्टान से शुरू होगी लिथोसीरीज, तो भी लास्ट आपकी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपकी होती है, ये आपकी बेटा मिजिक की होती है, मिजिक, मिजोफाइट्स। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना, एनवायरमेंट से इक्विलिब्रियम में होती है, साम्य अवस्था में होती है, नॉर्मल चेंजेस पे वो डेस्ट्रो नहीं होती जब तक बहुत ड्रास्टिकली जो बड़े भयानक चेंज नहीं हो। तो ये कंप्लीट अगर अपन बात करें, कंप्लीट बात की करें तो ये आपका होता है सीरे, कंप्लीट की बात करें तो सीरे। सबसे पहले वाले पाइनियर प्लांट होते हैं, बीच में इंटरमीडिएट सीरियल स्टेजेस होती है, और फाइनली क्लाइमैक्स आपका आता है। यस बेटा, अब आपसे पूछा है कि भी नग्न चट्टान बेयर रॉक, तो लिथोसीरी की बात होगी तो वहां पर तो आएगा लाइकेन, और अगर न्यूली फॉर्म पॉन्ड दे दिया जाए तो फाइटोप्लैंकटन। यस बेटा, तो यहाँ का सीधा आंसर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि आप जानते हो कि लाइकेन है, लाइकेन में भी क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, लाइकेन, फिर आप जानते हो मॉस है, फिर हर्ब यानी ग्रासलैंड है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आप जानते हो कि सर्ब है जिजिपस बेर, और फिर आप जानते हो ट्री या फॉरेस्ट आ जाता है मिजिक। यस बेटू, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसकी स्टेजेज होती है जीरो से लेके, सारा मैंने आपको बता दिया। आगे और भी कई क्वेश्चंस होंगे और क्लियर करेंगे, आपको ढंग से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, फिर आपको पैराग्राफ खोलना है, और आप समझ सकते हैं कि जो 37 जो आपका क्वेश्चन है, 251 पेज नंबर जो एनसीईआरटी का है, 251 उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, इन ए पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट ऑफ, घास पारतंत्र में संख्या किस्तों में संख्या किसकी होगी? अगर अपन ग्रासलैंड के अंदर अपन नंबर का पिरामिड लेते तो अपराइट ही आता है ग्रासलैंड, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रास प्लांट हर्ब सबसे ज्यादा होती है, फिर आप जानते हो कि एससी, फिर पीसी, और फिर मतलब एस पी 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 सी, सॉरी
भाई ग्रासलैंड में आप नंबर का पिरामिड हमेशा अपराइट आता है, तो बेस पे प्रोड्यूसर को रखते हैं पीपी, फिर आप जानते हैं पीसी, फिर आप जानते हैं एससी, फिर आप जानते हैं टीसी। तो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं नंबर, यस बेटू। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, प्रोड्यूसर का ही होगा, फर्स्ट आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, और 38 to 48 पेज नंबर पे आपका है एनसीईआरटी के अंदर, यस बेटा क्लियर है। और नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच न्यूट्रिएंट ऑफ जनरली टू प्राइमरी प्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कौन सा पोषक सामान्य स्थलीय पारतंत्र प्राथमिक उत्पाद को सीमित कर देता है, यस बेटा मतलब लिमिटेड कर देता है। यहाँ पर आप जानते हो जनरली लिमिटेड आपका आएगा, लिमिटेशन वहां पर आपका होता है, यस बेटा। तो देखिए वैसे तो देखो प्लांट को सबसे कमी नाइट्रोजन की होती है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग इकोलॉजी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दे दिया जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है जो आप जानते हैं बेटा कि इनिशियली लिमिटिंग आएगा, सीमाकारी आएगा सबसे पहले। तो देखो स्थल पे फास्फोरस की कमी होती है, टेरेस्ट्रियल रीजन में फास्फोरस की कमी होती है क्योंकि रॉक्स का सेडिमेंटेशन, रॉक की विदरिंग होता है फॉस्फेट आए, क्योंकि फॉस्फेट तो आप जानते हो कि फॉस्फेट के रूप में रॉक में ही होता है, उसका जो रिजर्वियर होता है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में नाइट्रोजन और देन लाइट, क्योंकि लाइट लिमिटिंग हो जाती है एक नाइट्रोजन हो जाता है। तो यहां से पहले दिया है कि भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्शन को लिमिटेड करने के लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फास्फोरस आपका हो जाएगा। यस बेटा आप ऐसे इतना से याद रखना कि स्थलीय पारितंत्र में एनपीपी वैसे ज्यादा होती है, स्थलीय फिर भी एनपीपी के लिए स्थलीय पारितंत्र में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर लिमिटिंग फर्स्ट एजेंट क्या होता है, फॉस्फोरस, और एक्वेटिक के लिए फर्स्ट आपका नाइट्रोजन और लाइट आपका होता है, यस बेटा। तो देखिएगा अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट देखिए 40, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग सीजनल माइग्रेशन, ऋतु प्रवासन को नियमित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यह आपका क्वेश्चन बेटा आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, वहां आप देखते हो कि डे लेंथ, अरे भाई फोटो पीरियड या डे लेंथ एक ही बात है। तो जब डे लेंथ बहुत कम हो जाती है साइबेरिया में तो वहां ठंड बहुत बढ़ जाती है, असहनीय हो जाती है, तो वहां से जो साइबेरियन क्रेन है वो माइग्रेट होकर अपने केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं भरतपुर में। और जब स्ट्रेसफुल कंडीशन और हो जाती बीत जाती है तो वापस लौट जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। और माइग्रेशन का मीन ही होता है बेटा कि नेटिव प्लेस से किसी अदर प्लेसेज पे अनफेवरेबल कंडीशनों पर फेवरेबल की ओर आना और वो अनफेवरेबल बीत जाने पर वापस जाना, तब आपका माइग्रेशन होता है, यस बेटा। और सबसे लंबा माइग्रेशन ये आर्कटिक ट्रन, जहाँ 17,600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ये साइबेरियन क्रेन जो बर्ड होते हैं, यस बेटू। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा द चेंज इन द डे लेंथ, क्योंकि देखो द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न उससे नहीं होंगे, द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इंक्रीज प्रीडेटर प्रेशर ऐसा भी नहीं है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है ना, डे लेंथ कम हो जाती है, तभी तो फिर अपने यहाँ पर आते हैं केवलादेव में, यहाँ रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बाद वो वापस लौट जाते हैं जब वो प्रतिकूल परिस्थितियां बीत जाती है, यस बेटू। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा, थर्ड, यस। तो ध्यान दीजिएगा कि थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका आंसर हो गया। हाँ तो देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप देखिएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग कंज्यूमर, निम्न उपभोक्ता पर विचार कीजिए, इनमें से कितने, हाउ मेनी आर प्राइमरी कंज्यूमर, कितने हर्बीवोरस है, यानी बेटा हर्बीवोरस जो डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, वो आपके होते हैं पीसी प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपको जनरल हमेशा बताऊं आपको, देखिएगा कि एक तो आपका आता है रैबिट खरगोश, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 25% जो इंसेक्ट होते हैं टोटल के वो फाइटोफेगस होते हैं, पादपक्षी कीट होते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है, 25% इंसेक्ट क्या होते हैं, फाइटोफेगस, तो इंसेक्ट आते हैं। ऐसे आपका आता है जूप्लैंकटोन की एक्वेटिक फूड चेन में, जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में फाइटोप्लैंकटोन को फीड कौन करता है, जूप्लैंकटोन, यस। अब आप जानते हो कुछ बर्ड भी स्पैरो जो सीड खाती हैं वो भी आ जाएंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सारे आ जाएंगे, यस बेटा। और आप जानते हैं कि ये सारे आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस, या गाय भैंस भेड़ बकरी हिरण है ना, जो भी अपन बात रहे कि जेब्रा ये सारे हैं वो उसमें आ जाएंगे, यस। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ पर रैबिट आ जाएगा, जूप्लैंकटोन आ जाएगा, यस, लेकिन आप जानते हो फाइटोफेगस इंसेक्ट भी आ जाएगा, फाइटोप्लैंकटोन नहीं आएगा, फ्रॉग मांसाहारी होता नहीं आएगा,
फिश नहीं आएगी, स्पैरो आ सकती है, ह्यूमन नहीं आएगा जनरली। तो आप समझ सकते हो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, क्योंकि चार हो गए, एक हो गया, आप समझ सकते हैं दो हो गया, तीन हो गया और ये चार हो गया। यस बेटू क्लियर है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड से आपको मिलाना है, यानी मैच द कॉलम आपको करना है। और ये मैंने आपको भी जो सक्सेशन की स्टेज बताई थी, तो न्यूली फॉर्म पॉन्ड में अगर मान लो हाइड्रोसीरे हो, जलारंभी अनुक्रमण, तो आप जानते हो सबसे पहले उस पॉन्ड के अंदर, यहाँ आप जानते हैं कि वाटर के अंदर जो फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर वो फाइटोप्लैंकटन, फिर आता है सबमर्ज, थोड़े से फाइटोप्लैंकटन की डेथ होती है इस वाटर के बॉटम, यहाँ ऑर्गेनिक आता है तो आपके सबमर्ज आ जाते हैं, वेलेसनेरिया, ठीक है। फिर आप समझ सकते हो कि सबमर्ज का फ्री फ्लोटिंग आता है, फ्लोटिंग के बाद आपका रीड स्वैम्प आता है, मार्स मिड्डो आता है, स्क्रब और फॉरेस्ट। यस, ये हाइड्रोसरे की कंडीशन बहुत तरीके से एनसीईआरटी से आप क्लियर कर लेना। और जो क्वेश्चन आपका बेटा, मैं आपको कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपका 42 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जहाँ हाइड्रोसरे आपको दे रखा है। अब यहाँ कुछ प्लांट के नाम वहाँ हो सकता नहीं हो, लेकिन आपको एक एक चीज याद रखनी है। देखिएगा फाइटोप्लैंकटोनिक स्टेज, पादप अलोकोस्ता, यहाँ पर डायटम है तो थर्ड हो गया ना आपका। यस, फिर आपका हो गया सबमर्ज, जल में डूबे हुए, वेलेसनेरिया है। यस, जैसे यहाँ पलवक अवस्था आपकी क्या है, डायटम। फिर आपका निमग्न अवस्था क्या है, जैसे वेलेसनेरिया हो गया। उसके बाद आप समझ सकते हो बेटा कि रीड स्वैम्प स्टेज, तो रीड स्वैम्प रेनन्कुलस सेजिटेरिया होता है। मार्स मिड्डो, तो मार्स मिड्डो आप जानते हैं, यहाँ पर आपका पहले फ्लोटिंग स्टेज रहेगी, फ्लोटिंग स्टेज में निम्फिया और निलंबो, ये आपका फ्लोटिंग स्टेज में आ जाता है सी में। यस, और आपको मैंने मार्स मिड्डो की बात कर ली, तो मार्स मिड्डो आपका हो जाएगा जैसे सेजिटेरिया, मार्स मिड्डो स्टेज हो गया, सो रीड स्वैम्प स्टेज हो गया, फिर मार्स मिड्डो, फिर फॉरेस्ट स्टेज, तो फॉरेस्ट स्टेज के अंदर आपका कैरेक्टर्स, ये ऐसी बात आपकी होगी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आप जानते हैं आंसर विल बी थर्ड, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा बेटू। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए यहाँ पर फूड चेन दे रखी है, मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि देखो जनरली अपन फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन में डिकम्पोजर को शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर शो करना पड़े तो कहाँ रखोगे, सबसे ऊपर रखोगे, क्योंकि सबसे वो लेते हैं। देखो कोई प्लांट की डेथ हुई तो यहाँ से भी वो एनर्जी ले लेंगे, हर्बीवोरस से भी ले लेंगे, कार्निवोरस से भी ले लेंगे। यस, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा डिकम्पोजर। यस बेटू, डायग्राम के साथ आपका आ गया ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुके हैं, बहुत अच्छा मजा आपको आएगा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इन बायोस्फीयर नेट प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट बाय ओशियन बट एन एरिया कवर्ड कंपैरेटिवली। बेटा आप समझ सकते हो कि एनपीपी कुल क्षेत्रफल का 2/3, या आप जानते हैं कि 3/4 जो भाग होता है वो महासागरों द्वारा कवर है, लेकिन महासागरों की एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मात्र कितनी, 55 बिलियन टन है। जबकि आप जानते हो स्थलीय पारतंत्र बहुत कम एरिया है, लेकिन एनपीपी 115 बिलियन टन है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन महासागरों में ज्यादा, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर यूनिट पर एरिया, जो आप जानते हो कि प्रोडक्टिविटी है जीपीपी, और फिर सौसन में कंज्यूम होने के बाद आप जानते हैं कि जो अवेलेबल फूड है वो स्थल पे ज्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज हैं, बड़े बायोमास वाले ट्रीज हैं। यस बेटू, इसलिए आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कि लो और मोर, है ना, कि शुद्ध उत्पादकता, समुद्र का योगदान कम है लेकिन एरिया क्या है, ज्यादा है। यस बेटू, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अपन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 पे अपन आ चुके हैं। यस बेटा, अभी मैंने आपसे 44 डिस्कस किया था, 243 पेज नंबर, 243 एनसीईआरटी का पेज था, अब अपन आ गए 45 पे, 253 आपका एनसीईआरटी का पेज है, ये है ना। तो आप समझ सकते हैं, आप और अच्छे से ढूंढ लें, सारी चीज लाइनें आपको मिल जाएंगी। यस बेटा, तो यहाँ देखिएगा ये कार्बन साइकिल से रिलेटेड है, एटमोस्फेरिक CO2 का सिंक है ओशियंस, 71% ओशियंस में होता ही है, और एटमोस्फेरिक CO2 यानी ये रिजर्वॉयर है, भंडारक है। अब तुम जानते हो कार्बन का आने का एक ही तरीका है, CO2 फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ देखिएगा कि ये प्लांट क्या शो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये लिविंग बायोमास प्लांट बन गए। अब प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल बायोमास हो गया, तो प्लांट या एनिमल रेस्पिरेशन से वापस क्या रिलीज करेंगे, CO2 वापस आ रही CO2। अब प्लांट एनिमल की डेथ हो गई तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो ये जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोजर, तो ये डिकम्पोजर आप जानते हो अपनी डिकम्पोजन प्रोसेसेस में, कैटाबोलिज्म में,
कैटाबोलिज्म में इनको O2 रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीडेशन करते हैं तभी तो डेड ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोबियल रेस्पिरेशन होगा, माइक्रोबियल एक्शन होगी, सूक्ष्म जीवी प्रक्रियाओं में O2 रिक्वायर्ड होती है कैटाबोलिज्म में, अपचयन में, आप समझेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा कि इस डायग्राम में ए बी और आपका क्या है रेस्पेक्टिवली, ए और बी क्या दर्शा रहे हैं आपके सामने, तो मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर ए किसको दर्शा रहा है, फोटोसिंथेसिस को, ये तो बात सही, लेकिन बी कीमोसिंथेसिस गलत हो जाएगा, ए रेस्पिरेशन, ए गलत हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आप देखिएगा थर्ड ऑप्शन, ए फोटोसिंथेसिस और बी ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है, इसको आप ऑक्सीडेशन बोल दो चाहे कैटाबोलिज्म बोल दो, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। यस बेटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, द गिवन फिगर सो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ऑफ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा वर्टिब्रेट, जो भी आपको दे रखा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी, निम्न चित्र कशेरुकी के बड़े वर्ग टैक्सा की जातियों की आनुपातिक संख्या, जो उनका आप जानते हैं कि रिलेटिव अमाउंट का आनुपातिक संख्या है, वैश्विक जीविका दर्शाता है, ए बी सी डी के लिए सही विकल्प आपको चयन करना, सीधा आपके एनसीईआरटी के अंदर है। और जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 46 है, मैं आपको बता दूं 260 पेज नंबर जो एनसीईआरटी के, वहां पर ये पाई चार्ट आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टर्ब कहां कर रखा है, इसमें देखो यहां ऐसे नहीं दिया आपको कर्म, वैसे आपका जानते हो कि ये यहां पर आपके होते हैं मैमल्स होते हैं, यस बेटा, और फिर आप जानते हो कि बीपी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, यस, और फिर आप जानते हो सीपी आपके यहाँ ऐसे बर्ड्स होते हैं, और फिर आपका डीपे क्या होता है, जैसे कि आपने बात करी बेटा कि एम्फीबिया होता है, यस, तो वहाँ आप अच्छे से क्रम देखोगे एनसीईआरटी में। लेकिन यहाँ बी पॉइंट को अलग दे दिया, बी पॉइंट को यहाँ दे दिया ना, आपसे पूछा ए बी फिर सी और फिर आपका क्या पूछा है डी पूछा है, यस बेटू, तो आप समझ सकते हो कि इसकी ट्रिक है एम बी आर ए, मैमल्स बर्ड रेप्टाइल एम्फीबिया, यस बेटू, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, आप फर्स्ट में थोड़े कंफ्यूज होंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड हो जाएगा, अगर इस बी को यहां दे देता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता फर्स्ट हो जाता, यस बेटू, अच्छा क्वेश्चन, देखो कंफ्यूज आप कहीं भी हो सकते हैं, छोटी लाइन ज्यादा गलती होती है, सीधी मिस्टेक्स को नहीं करना है, दिमाग लगाकर बिल्कुल ऐसे शालीनता से क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, यस बेटू, तो सीधा आपका साइंटिस्ट का नाम है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय, रिवेट पॉपर संकल्पना किसने दी, एक हेल्थी इकोसिस्टम के लिए, ये जो आप समझ सकते हैं 47 क्वेश्चन में जो 263 पेज पे है, आपको बताया गया कि भाई अगर मान लो इकोसिस्टम में डायवर्सिटी हाई है, जाति विविधता अगर अच्छी है, तो इकोसिस्टम में ईयर बाय ईयर जो प्रोडक्टिविटी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, वो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस अच्छे से रहेगा, जो नॉर्मल फैक्टर जो उसको डिस्टर्ब करने वाले होते हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, रेजिस्टेंस पावर होगी और रेजिलेंस की पावर भी उसमें होगी, यस बेटा। तो ये जो रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी ये पॉल एयरलिक ने दी थी, रिवेट यहाँ स्पीसीज से है, प्रॉपर हाइपोथेनिक एयरप्लेन तो इकोसिस्टम है, और वहाँ रिवेट जो उस इकोसिस्टम एयरप्लेन में जो उपकरण है ना वो स्पीसीज से है, तो नॉर्मली उसने कहा था कि नॉर्मल जातियाँ जो होती है वो तो अगर मान लो विलुप्त भी हो जाते ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कुछ की स्टोन जातियां होती है जिनकी संख्या कम है, इकोसिस्टम के संतुलन के लिए वो बैलेंस के लिए सबसे जरूरी होती है, टाइगर लॉयन है, बनियान ट्री, फिग ट्री होते हैं, ये आपकी की स्टोन जातियां होती है, आगे बताऊंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉल एयरलिक ने दिया था, सेकेंड आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यस बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना वो 265 पेज नंबर पे एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो ये बायोडायवर्सिटी टॉपिक से रिलेटेड है, बायोडायवर्सिटी में जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं या फिर इकोसिस्टम या बायोडायवर्सिटी को अपन को कंजर्व क्यों करना चाहिए, अपन उनका संरक्षण क्यों करें, तो वहाँ पर आपको तीन सेवाएं बता रखी है, नैरो यूटिलिटेरियंस संकीर्ण उपयोगितावादी सेवाएं, कि अपन को प्लांट से जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं सीधे तौर पर जो आर्थिक महत्व के लाभ, भोजन हो सकता है, फूड हो सकता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल, गम, लेटेक्स, फाइबर हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती है, वो तो संकीर्ण उपयोगिता सेवाएं हैं। इस कोरोना में अपन को सिखा दिया बेटा कि जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस हैं, वृहद उपयोगितावादी सेवाएं हैं, जो फ्री के अंदर अपन को ये प्लांट या इकोसिस्टम को फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, यस, वो आपकी वृहद उपयोगिता सेवाएं होती हैं जिनका अपन मूल्य नहीं चुका सकते हैं। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का मूल्य आपको जब लगा व्यक्तियों के कोरोना की इस वैश्विक महामारी में, इस पेंडेमिक कंडीशन में, तो 100% अपनी अकल ठिकाने आ गई कि नेचर को अपने बचाना चाहिए, आपको एक संकल्प लेना चाहिए, आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे,
नीट 2021 के अंदर आपको इस रेनी सीजन में एक पौधा लगाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए, उसकी पूरी साल की प्रोटेक्शन के साथ उसको बड़ा करना चाहिए मेरे बेटू। तो आप समझ सकते हो आज जो जलवायु का नियमन है, जबकि जलवायु की विषम परिस्थितियां आ रही है, एल नीनो ला नीनो जो ग्लोबल वार्मिंग से, या फिर आज जो नेचुरल हैबिटेट है प्राकृतिक आवासों की नष्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कई सारे डिस्टर्बेंस आज नेचर में आ रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हो फ्री के अंदर जलवायु का नियमन इकोसिस्टम या ये बायोडायवर्सिटी कर रही है, पोलिनेशन जैसी प्रोसेस फ्री के अंदर है, बहुत वृद्ध वनों से आप गुजरते हैं तो खुशी का एहसास आपको होता है, मनोरंजन, आध्यात्मिक लाभ, वन्य जीवों का आवास, मृदा निर्माण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जिनका मूल्य आप डिफाइन नहीं कर सके, दीज आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस, वो वृद्ध उपयोगिता सेवाएं होती है। देखते हैं कौन सी सेवाएं इसके अंदर है। आप समझ सकते हैं मेडिसिन डायरेक्ट बेनिफिट है, नैरो है, यस। ऑक्सीजन ये ब्रॉडली है, यस। क्लाइमेटिक मॉडरेटेशन ये ब्रॉडली है, तो ये ब्रॉडली पोलिनेशन ये भी ब्रॉडली है, बट फूड नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपको लाभ मिलता है, यस। तो बेटा यहां पर आपको तीन सेवाएं, यानी ऑक्सीजन, जलवायु नियमन और परागण, ये तीन सेवाएं हैं जो व्यापक उपयोगिता के पहलू हैं, यानी आपका आंसर आप पर यहां पर हो जाएगा सेकंड। और बेटा वहां लिस्टिंग कर लें, आगे क्वेश्चन और आएगा आपके, और लिस्टिंग कर लें। देखो नैरो यूटिलिटेरियन यानी संकीर्ण उपयोगितावादी सेवाओं के पहलू क्या है, आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिले प्लांट से, चाहे वो फर्नीचर की लकड़ी हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे औषधि हो, या ये जो प्रसाधन सामग्री परफ्यूम ये सारे हो, ये तो नैरो बातें होगी, संकीर्ण सोच होगी। व्यापक उपयोगिता जो आप समझते जिनका आप मूल्य चुका ही नहीं पाओ, वो चीजें आपकी होती है, यस बेटा। और तीसरा आपका नैतिकता, ये कहती है कि जितनी बायोडायवर्सिटी आपके हाथ में, नेक्स्ट जनरेशन को उतनी तो आपको सौंपनी चाहिए, यस। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। ये कुछ ऐसे हैं कि नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नीट 2018-19 में भी क्वेश्चन आया। तो ये देखिएगा यहाँ आपको दे रखा है एशियाटिक वाइल्ड आस, यानी जो एशियाई जंगली गधे हैं, रन ऑफ कच्छ, फाउंड इन रन कच्छ एंड पाकिस्तान, यानी आप जानते हो कि ए में आपका क्या हो जाएगा थर्ड, रेड पांडा आप समझ सकते हैं कि कंचनजंगा फोर हो जाएगा, हंगुल कश्मीर स्टेट, दांचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, ये क्वेश्चन अभी 2019 में ही आया, यस बेटा। और साइबेरियन क्रेन आप जानते हैं कि कहाँ पाई जाती है, भरतपुर के अंदर आपकी साइबेरियन क्रेन होती है, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर आपका क्या हो गया, मिलान करने के बाद आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ये अच्छे से मिलान कर लें, यस बेटू। क्लियर है ना, दांचीगम नेशनल पार्क कश्मीर स्टेट के लिए प्रसिद्ध है, और आप जानते हो कि ऐसे जंगली गधों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर कच्छ के मैदान है वो है, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, यस बेटू। तो क्वेश्चन नंबर 58, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एट द एंड ऑफ 2002, सीएनजी नेचुरल कंप्रेस गैस जो आपकी यूजेज इन नेसेसरी फॉर मेनी व्हीकल्स एट द प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल, बिकॉज 2002 के अंत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में जो भयानक समस्या आ गई थी, तो सीएनजी लागू कर दी गई, वहां सरकारी वाहनों में सब में सीएनजी लागू कर दी, क्योंकि सीएनजी आप समझ सकते हो कि पेट्रोल डीजल की तुलना में थोड़ा सस्ता ही, तो नॉर्मल कारण है, लेकिन ऐसा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट आपका आंसर आपका यह होगा कि सीएनजी बर्न मोर इफिशियंटली देन पेट्रोल डीजल, कि सीएनजी बेटा मोस्ट इफिशियंट फ्यूल है, अत्यधिक दक्ष, मोस्ट इफिशियंट फ्यूल अत्यधिक दक्ष है, क्योंकि वाहन के इंजन पर इसका पूर्ण दहन हो जाता है, तो अदग्ध अनब्रंड हाइड्रोकार्बन लेफ्ट नहीं करते हैं, बचते नहीं हैं, आपको समझ सकते हो, क्योंकि सीएनजी में ओनली CH4 हाइड्रोकार्बन है, यस बेटू। तो आप समझ सकते हैं कि कम आपका उसका मिलेगा, यस बेटा। तो ये आपका हो गया, क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, यस। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने कथन सही हैं? ये बेटा आप जानते हो 282 एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है, वहां जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको दर्शा रखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन इंफ्रारेड रेडिएशंस, आप समझ सकते हैं बेटा कि नेचुरल ये जो ग्रीन हाउस है, पौधा घर प्रभाव, यानी आप जानते हो कि कांच के घर बनाए जाते थे टुंड्रा प्रदेशों में, जहां थोड़े टाइम के लिए ही डे लेंथ होती थी, तो रेडिएशन अंदर तो आ जाती थी लेकिन नीचे से टकरा वापस नहीं जा पाती, तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होता था, और कुछ ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स, कुछ टोमेटो या सीडलेस कुकुम्बर वहाँ पर उगाए जाते थे। तो पृथ्वी पर नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, तभी तो पृथ्वी का तापमान आज +15 है, वरना अगर ये नहीं होता तो -18 होता, तो इसका होना भी अनिवार्य है, लेकिन आज
लगातार थोड़ा गैसेस बढ़ने से आज जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे विषम जलवायु परिवर्तन एल नीनो ला नीनो ये आप समझ सकते हो कि आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ गैसेज होती हैं जैसे CO2 है, मिथेन है, जिनका थोड़ा हाई मोलिकुलर वेट होता है, उच्च अनुभार होता है, तो इकट्ठी होगी। अब सोलर रेडिएशन जो है इनको पार करके आते जाती है, अब जैसे ही धरातल पर टकराती हैं तो यहाँ से वापस इमिट होती है हीट, उसमें विकिरण जिनको आप कहते हैं इंफ्रारेड अवरक्त किरण, जिनमें आप समझ सकते हो कि हाई वेवलेंथ और लो इंटेंसिटी होती है, तो वो इस इन गैसों को वापस पार नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है इनको और वापस इधर भेज देती है, जिससे एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, अर्थ कैन ऑल्सो इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, सही है, हीट या जो उष्मा निकलती है वो इंफ्रारेड ही होती है, इंफ्रारेड ही होती है बेटा, यस, तो ये भी करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरेज अर्थ टेम्परेचर 15 डिग्री, बिल्कुल सही है, अगर ये प्राकृतिक घटना नहीं होती तो -18 होता, जीवन संभव नहीं होता, ये भी सही है। और ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री, पिछली शताब्दी में आप जानते हो कि 0.6 डिग्री तापमान बढ़ा ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी करेक्ट है, यस। और अब ये तो है कि अब आप जानते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज, इससे आप जानते हो ग्लेशिएशन हो सकता है, पोलर कैप्स जो है ध्रुवीय टोपियां पिघल सकती हैं और समुद्री तटवर्ती देश डूब सकते हैं, यस। तो आप समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, 4, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्लियर है बेटू। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका होगा 51 से 52 की बात अपन करेंगे, तो देखिए बेटा कि जो 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एज वेल एज ओजोन डिप्लीशन। भाई देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो CO2 60% आगे क्वेश्चन आएगा, CH4 मिथेन, CFC और N2 ये रेस्पॉन्सिबल होती है, कुछ SO2 रही है, यस। तो यहाँ पर देखो एक कॉमन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जरूरी है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और ओजोन डिप्लीशन भी कर रही है, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट आप देखिएगा इसका भी वही पेज नंबर है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कितने खत्म सत्य हैं, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना मेरे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा नॉइज कॉज फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल, आप समझ सकते हैं, सॉरी, नॉइज कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, करेक्ट है, नॉइज एक डिस्टर्बेंस ही अपने लिए, अनिद्रा बेचैनी ये उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन आर कॉमनली नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग, गलत हो गया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ओजोन का पक्ष नहीं करती है, CFC करता है, ये तो ग्रीन हाउस गैसेज है, यस बेटा। UVB कोज स्नो ब्लाइंडनेस, करेक्ट है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हैज पास्ड इन 1974, ये भी सही है। तो बेटा आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ACD, यानी आप समझ सकते हैं सेकेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन, निम्न में से कौन सा प्रकार है जो वनोन्मूलन में सबसे कम भागीदारी करता है। भाई देखो काटो जलाओ कृषि होता है ना, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, ये तो बहुत, इसका तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन में लोग नई नई जगह उपजाऊ मृदा के लिए वनों को काटते हैं, जलाते हैं, राख से उपजाऊपन होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फिर आप कहते हो कि भी शहरीकरण जो हो रहा है, अर्बेनाइजेशन जो हो रहा है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है। फिर अपन लकड़ी के लिए अपन बहुत कटाई करें, वो भी है, लेकिन टोंगिया सिस्टम क्या होता है बेटा, देखो टोंगिया सिस्टम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो स्लैश बर्न उसका एक अदर अल्टरनेटिव है, उसमें क्या करते हैं टोंगिया सिस्टम में कि एग्रीकल्चर तो अपन फॉरेस्ट में करेंगे, लेकिन लास्ट साथ साथ में बहुत सारे ट्री का प्लांटेशन भी करेंगे, तो वो तो इंक्रीज कर रहा है, यस बेटा। तो यहाँ पर आप देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन, कितने हैं जो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, शोर एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि तो है भाई, आप जानते हो 60 डेसिबल से ऊपर चला जाए जो अपने कानों को अप्रिय लगे, यस। और नॉइज कोज स्लिपनेस एंड अदर ब्रीथिंग पैटर्न, अनिद्रा है, श्वसन के तरीके में परिवर्तन है, हार्ट पाल्पिटेशंस हैं, हृदय से में जो परिवर्तन ही करता है, सही है। जेट प्लेन इमिट CFC, ये करते तो है लेकिन ये नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। और स्कूल एंड हॉस्पिटल आर हॉर्न फ्री जोन, तो ये करेक्ट है,
यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर विल बी फर्स्ट आपका हो जाएगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 56, बीओडी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो बीओडी का फुल फॉर्म ही आ गया एम्स में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यस बेटा, और देखिएगा अगर आप मान लो अपन जो घरेलू वायु मल होता है उसको अपन जलाशय में डाल दें तो डीओ डिजोल्यूशन घट जाती है, बीओडी बढ़ जाती है। क्या होती है बीओडी? बीओडी का अगर अपन रियली में मेजरमेंट करें तो अगर अपन एक लीटर पानी लें इन वन लीटर वाटर, जितना भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है दैट इज बीओडी। यस, अब अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन देखना, द अमाउंट ऑफ ओ2 यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जल में सजीवों की तरह उपयोग में लेगी ऑक्सीजन की मात्रा, ऐसा नहीं है, कई सारे तो वो तो रेस्पिरेशन में यूज भी करते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में रिलीज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। द अमाउंट ऑफ ओ2 यूटिलाइज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, कि सूक्ष्म जीवों की तरह अपघटन के लिए उपयोग में लेगी ऑक्सीजन की मात्रा, यही बीओडी है, क्योंकि बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक मैटर। समझ गए ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जितना बीओडी डिक्रीज होगा उतना वाटर पोल्यूटेड होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा वाटर पोल्यूटेड होगा। यस बेटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यस बेटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से आपको असत्य कथन को आपको चुनना है। तो देखो, प्लांट्स कैप्चर ओनली 2-10% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, पादप आपतित सौर विकिरण का केवल 2-10% ही ग्रहण करते हैं, गलत है बेटा। आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था कि ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का तो 1-5, हाँ पार जो इस ISR का 50 से कम है, पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसका 2-10% आपका आ जाएगा। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, आपको इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करना था। बाकी देखिए, हॉटस्पॉट आर द एरिया ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, क्योंकि हॉटस्पॉट क्षेत्र पे उच्च जातीय समृद्धि होती है, हाई स्पीसीज रिचनेस होती है, तो वहाँ एंडेमिक स्पीसीज भी ज्यादा है, ओबीसी भी है, पश्चिमी घाट पर एम्फीबियन स्थानिक जातियां ज्यादा है। यस, तो ये करेक्ट है। तालाब में अनुक्रमण के दौरान पादप और पुरोगामी जैव समुदाय होते हैं, यूनिफॉर्म पोंड में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, पहले बता चुके हैं। और हर्बीवोरस आर मोस्ट सरली अफेक्टेड बाई कंपटीशन देन कार्निवोरस, तो आप जानते हैं प्रतिस्पर्धा द्वारा शाकाहारी जंतु मांसाहारी की तुलना में ज्यादा अधिक प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीवियरली जो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है। यस, तो ये भी करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। यस बेटू, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बार्नेकल ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल, वह समष्टि अंतःक्रिया जिसमें वेल की पीठ पे बार्नेकल वृद्धि करता है। अगर वेल की पीठ पे बार्नेकल ग्रो करे तो बार्नेकल को क्या हो जाएगा, बेनिफिट, और वेल अनअफेक्टेड रहेगी, तो क्या हो गया, कमेंसलिज्म। यस बेटू, ये लो जी, सीधा आपका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 59, इफ ए गार्डन देर आर 400 रोज प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 100 न्यू प्लांट आर एडेड, प्रेजेंट पॉपुलेशन 500, तो भैया अब उसकी आप जो क्या ग्रोथ हुई इस पॉपुलेशन के अंदर, तो आप जानते हैं बेटा कि कितने थे 400, कितने नए और आ गए 100, तो 4 पे 100 आए तो 1 पे क्या आया 100/400, तो 100/400 को तो 0.25 प्रति रोज, यानी पर रोज पर ईयर है ना, पर ऑफस्प्रिंग होता, पर टाइम आपका होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.25 ऑफस्प्रिंग पर रोज पर ईयर, क्योंकि एक में वीक दे रखा तो वीक के कारण गलत हो जाएगा। यस, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सक्सेशन, निम्न में से कौन सा कथन अनुक्रमण के बारे में सही है, तो मेरे बेटा देखिए सक्सेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली वेरी फास्ट, गलत बात है, किसी भी बेर एरिया में, किसी भी नगन क्षेत्र में पाइनियर प्लांट को एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लग जाता है, 1000 ईयर लग जाते हैं, क्योंकि सॉयल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण को 1-2 मिनट का कार्य नहीं, बहुत लंबे समय का काम है, और आप सोयल फॉर्मेशन में विदरिंग तो है ही है, बाद में जब डेथ होती है तो ऑर्गेनिक मैटर भी, यानी ह्यूमस कंटेंट बढ़ना चाहिए, और आप अच्छे से जानते हो कि सोयल का जो पीएच है, सोयल का टेक्सचर बनावट है, ग्रेन साइज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन यानी जल धारण क्षमता और वातन, ये सबसे इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टर होते हैं जो उसके उपजाऊपन को निर्धारित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नहीं है,
disturbance during succession create new condition that encourage some species and discourage or eliminate other species. तो आप जानते हैं कि अनुक्रमण के बारे में कौन सा सही आपको करना है. यस बेटा, तो ये करेक्ट है. अनुक्रमण के दौरान बाधाओं से नई जातियों का प्रोत्साहन मिलता है और अन्य जातियां हतोत्साहित होती है, निष्कासित हो जाती है. क्योंकि जब नया कोई कम्युनिटी आती है, जैसे लाइकेन के बाद मॉस आया और मॉस के बाद ग्रास, तो घास में खुद में ही मृत्यु होती है घास की पत्तियों की. तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा बढ़ता है, जिससे वो प्रोग्रेसिव यानी नए आवास को, आप जानते हैं कि ऑटोजेनिक है, नए स्थलीय पौधों को या बड़े वृक्षों को आने का न्योता देती है कि उनके लिए कंडीशंस ऑप्टिमम बनती है. यस बेटा, आप जानते हैं पायनियर कम्युनिटी इज मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी. गलत बात हो जाएगी. पुरोगामी समुदाय स्थायी होता ही नहीं. सबसे स्थायी तो आपका क्लाइमेक्स होता है, मीजोफाइट्स होता है. यस, और स्पीसीज कंपोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट. गलत बात है, स्पीसीज कंपोजिशन कॉन्स्टेंट रह नहीं सकता. चेंजेस होते हैं, डायवर्सिटी इंक्रीज होती है. आप जानते हो कि जैव भार भी बढ़ता है. यस बेटा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड. यस, क्लियर है. नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर बेटा आपको मैं बताऊं कि जो 61 है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करें तो देखिएगा. ड्यू टू यूट्रोफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी. यूट्रोफिकेशन के दौरान क्या होता है, देखो बेटा कि झील की एजिंग को, प्राकृतिक काल प्रभाव को बताता है यूट्रोफिकेशन. जब भी आप न्यूट्रिएंट नाइट्रेट फास्फेट का एक्सेसिव होता रहता है तो धीरे 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 प्लांट एनिमल आएंगे, उनकी डेथ होगी, ऑर्गेनिक मलबा बढ़ेगा, तो झील उथली और गर्म होगी, सेल और हॉट. तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ग्रेजुअली इंक्रीज यहाँ पर आ जाएगा. फर्स्टली हॉट देन कोल्ड नहीं होगा, कॉन्स्टेंट पॉसिबल ही नहीं है. ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं है, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, इंक्रीज. तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड. यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62. द डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी स्ट्रम्ड एज. जीवों की विविधता जो समान आवास से समुदाय का साझा करती है. भाई डायवर्सिटी के तीन लेवल होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका आ जाता है. किसी एक कम्युनिटी के ऊपर बताएं, विथिन ए कम्युनिटी अल्फा डायवर्सिटी होती है, बिटवीन टू कम्युनिटी बीटा होती है, और पूरे बायोस्फीयर में आप गामा लेते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट. यस बेटा, क्लियर है. नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम डिपेंड ऑन. विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण इस पर डिपेंड करता है. तो बेटा आप जानते हो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन और जलवायु को डिटरमाइन करने के लिए, जलवायु को निर्धारित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल. यस बेटा, और यही रीजनल और लोकल वेरिएशन करके हैबिटेट और जीवों का आप निर्धारण करते हैं. तो जानते हो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा प्रिसिपिटेशन वर्षण, यानी उसमें रेनफॉल आपका आता है, स्नोफॉल रेनफॉल. तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर रेनफॉल ही क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है किसी भी एरिया को. यस yes, तो यहाँ पर आप आंसर क्या हो जाएगा, फोर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया. यस yes, बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64, वो भी बायोम से रिलेटेड है, कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी. तो एनसीईआरटी के 220-222 पेज नंबर आपके हैं, है ना, तो वहां आपको अच्छे से बता रखा है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी. प्रत्येक जीवों के अंदर क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं का कारण कई टाइप के हैबिटेट बनते. बायोम तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बायोम है. यस, और मान लो कि बहुत बड़ा एरिया बायोम है तो उसमें अलग अलग जगह, कहीं पर आप जान छोटा तालाब हो सकता है, कहीं पर वन ज्यादा हो सकते हैं या पेड़ पौधे हो सकते हैं, ऐसे है ना. तो आप जानते हैं तरह तरह के हैबिटेट बन जाएंगे, सीधा एनसीईआरटी लाइन है. अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बेटा आप जानते हो कि थर्ड आंसर आपका हो जाएगा. नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 65. तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बेटा, फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू देयर हैबिटेट. उनके आवास के संदर्भ में सही का मिलान का चयन कीजिए. ये भी आप जानते हो कि 220-22 पेज नंबर की बात है ना बेटा, चैप्टर फर्स्ट की, बहुत अच्छी बात है. और आप समझ सकते हैं कि अपने वहाँ यूरीथर्मल रेंज बताई थी, यूरीथर्मल जिनका आंतरिक तापमान नियत होता है, उनका एम्बाइन टेम्परेचर जो होता है, अंदर का तापमान बाहर से सराउंडिंग से चेंज नहीं होता, तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं. यस, लेकिन स्टेनोथर्मल एक आप जानते हैं कि एक संकीर्ण प्रास में ही जीवन यापन कर सकते हैं, तो थ्रू आउट ईयर उनको एक कॉन्स्टेंट सा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर बदल गया तो अंदर का चेंज हो जाएगा. तो देखो आप कुछ एग्जाम्पल दे रखें कि मैंगो ट्री है ना, कनाडा और जर्मनी जैसे जो टेम्परेट कंट्री होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ कंडीशन बता दूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके होते हैं, 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए. फिर जैसे आप जानते हो कि टेम्परेट रीजन आ जाते हैं
आगे आप जान टुंड्रा आ जाते हैं, ये सारा बताया हुआ आपको, है ना। तो देखो बेटा वहाँ बताया गया आपको कि मैंगो ट्री डिड नॉट ग्रो इन जर्मनी कनाडा लाइक कंट्रीज, दे आर टेम्परेट कंट्रीज, क्योंकि मैंगो का जो स्ट्रिक्ट या मैंगो का जो रेंज होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। तो ये आपको गलत दे रखा है, आवास के संदर्भ में सही मिलान नहीं है। स्नो लियोपार्ड केरला फॉरेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, जब स्नो लियोपार्ड है तो पोल्स पर होंगे, केरल के जो फॉरेस्ट हों तो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये भी गलत है। ट्यूना फिश टेम्परेट लैटिट्यूड इन ओशियन, बेटा आपको वहाँ दे रखा है कि ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियंस, इंग्लिश में पुराने आंसर हिंदी में गलत है, नहीं में आ गया होगा कि भाई ट्रॉपिकल ओशियन से आगे जो टेम्परेट आते हैं तो वहाँ ट्रॉपिकल से आगे रेयर चांस है, जो ट्रॉपिकल ओशियन उनका हैबिटेट है ऑप्टिमम। यस एशियाटिक लोन गुजरात, ये सही हो जाएगा कि जानते हो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, तो गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लोन में जाना जाता है, तो इनमें से एक थोड़ा ओड बट यही करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4। यस बेटा अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, और आपके एनसीईआरटी की जो लाइंस है 222 पेज नंबर पे है ना भाई, वहाँ स्नो लियोपार्ड के लिए, मैंगो के लिए, ट्यूना फिश के लिए बहुत अच्छी लाइंस आपको दे रखी है। यस बेटू नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव यूज्ड बाय जू प्लैंकटन टू ओवरकम पार्शियली स्ट्रेसफुल कंडीशन, निम्न में से कौन सा विकल्प जंतु पलक द्वारा आंशिक तनावपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बेटा आप जानते हो कि जो कन्फर्मर्स होते हैं भाई, रेगुलेटर तो वो होते हैं जिनका आंतरिक ताप और प्राश्न सांद्रता नियत हो, तो वो तो एक बड़ी रेंज में टॉलरेंट भी कर सकते हैं, और आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग से इनसाइड का चेंज नहीं होता है, लेकिन कन्फर्मर का चेंज होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक नैरो रेंज में वो टॉलरेट कर सकते हैं और एक कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ईयर कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं। यस बेटा अब देखिएगा कि फिर भी मान लो कन्फर्मर सा ना जो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उन्हें बचने के लिए तो माइग्रेशन हो गया, तो बर्ड है या आप समझ सकते हो कि ब्लू वेल है तो माइग्रेट कर सकती हैं, लेकिन कुछ माइग्रेशन नहीं कर सकते, तो माइग्रेशन का मतलब तो आपका हो गया एस्केप टू प्लेस, बट जो माइग्रेट नहीं कर सकते तो वो टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने का तरीका ले लेते हैं, जैसे थिक वॉल्ड स्पोर हो गया, सिस्ट हो गया, यस, तो उसको आप कहते हो सस्पेंड, और सस्पेंड का मीन होता है एस्केप टू टाइम, यानी बेटा कुछ समय के लिए ऐसी संरचनाएं विकसित कर लेते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर सके। मैंने बताया ना मोटी भित्ती वाले स्पोर जैसे फंजाई एलगी के अंदर, एंजियोस्पर्म में बीज, यस बेटू, और ये जो भूमिगत तनेरी कायिक प्रबुद्ध होते हैं, चिरकालिक अंग होते हैं, पेरनेशन ऑर्गन होते हैं, यस, वैसे ही क्या करता है कि जो हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, वो भी इसी में आते हैं, और स्पेशली जू प्लैंकटन जंतु पलोक अपनी परिवर्तन की सारी अवस्थाओं को रोक के, मतलब डेवलपमेंट स्टेज को, लार्वा स्टेजेस को रोक देते हैं, इनएक्टिव होकर उन अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए ग्रुपिज्म कर लेते हैं, एग्रीगेशन समूहन कर लेते हैं, उसको आप कहते हो डाइपोज या उपरति। तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर होगा डाइपोज, सेकेंड आंसर आपका होगा सस्पेंड इन एस्केप टू टाइम, निलंबन की एक अवस्था है, पहले भी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, एल्टीट्यूड सिकनेस कैन बी सीन एट विच स्पेसिफिक हाइट, कि देखो बेटा ये अडेप्टेशन में है आपके, जहाँ आप जानते हो कि 224 पेज नंबर पे आप जानते हो कि अडेप्टेशन आपका है, तो जानते हो कि अडेप्टेशन के अंदर आप जानते हो कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कार्य के अनुकूलन जो आपकी बॉडी को तुरंत एक्यूमलाइज करते हैं, तुरंत आपको रेस्पॉन्स देते हैं। देखो अगर अपन ऊंचाई पे जाते जाएं लगभग 3500 मीटर से ज़्यादा हाइट पे, रोहतांग पास है, कैलाश मानसरोवर है, उतनी हाइट पे अपन जाते हैं तो अपने सिम्टम्स क्या आते हैं, अपने मिचली आ सकती है, फैटिग, थकान है ना, नोजिया, मिचली आना, थकान हो सकती है, हार्ट पाल्पिटेशंस, ये सिम्टम्स हो गए, इसको आप कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। अब तुरंत आपका बॉडी क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वहाँ पर बता रखे हैं, वो अडेप्टेशन है, जैसे आप जानते हो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी है ना, और हीमोग्लोबिन की मतलब O2 के साथ बंधुता, जो बंधुता में मतलब कमी आएगी, यस बेटा, तो ये सारी बात वहाँ पर है, RBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कितनी हाइट पे, 3500 मीटर से ज्यादा, ये सीधा एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे से आपको लाइन दे रखी है एनसीईआरटी ने, यस। तो ये देखिएगा आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, पॉपुलेशन इकोलॉजी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी विद समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि पारिस्थितिकी को जोड़ता है, ये एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बेटा देखो कि इंडिविजुअल वेस्टी, वेस्टी जन्मता है मरता है,
जन्म दर मृत्यु दर ये पॉपुलेशन की होती है। और वेस्टी पर आप जानती हैं जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो डार्विन के कंसेप्ट है, वो केवल पॉपुलेशन पे लागू होते हैं। और पॉपुलेशन के मेंबर जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो करेक्टर्स हैं, आनुवंशिक लक्षण है, वो जाते ही जाते हैं, तो जेनेटिक्स हो गई। और उनमें अपने वातावरण के प्रति अडेप्ट होते हैं, इवोल्यूशन फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग आता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स, आप जानते हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, फोर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि समष्टि पारिस्थिति पारिस्थिति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि पारिस्थिति को जोड़ती किससे, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। तभी अपन कहते हैं ना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो वहां देखते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी प्लस जेनेटिक्स और प्लस इवोल्यूशन उद्विकास। यस बेटू, तो ये आपके सीधा एनसीईआरटी की बात है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69, द टाइगर काउंटिंग इन आवर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इन आफ्टर बेस्ड ऑन। हमारे राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में बाघों की गिनती अक्सर किस पर आधारित है। बेटा अपना पूरा इसका उद्देश्य क्या है कि आपकी सारी लाइनें सारी चीजें कवर कराएं। स्कोर तो आपका ठीक ही है, अच्छा है, लेकिन स्कोर कोई बड़ी बात भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आपका है कि एनसीईआरटी को आपको कवर कराएं, टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कराएं। तो बेटा आप जानते हो वहां देखो समष्टि ग्रंथों को ज्ञात करने का जो सबसे उचित है वो तो काउंटिंग ही है, यानी गिनकर। लेकिन काउंटिंग कुछ तरीकों में या तो आप समझ सकते हो कि मीनिंगलेस हो जाता है या पॉसिबल नहीं होता है। जैसे वहां बरगद और बनियान ट्री और पार्थिनम को उठाने का, तो बरगद की भूमिका पारितंत्र में बहुत बड़ी है, तो बरगद अगर अपन पार्थिनम का घनत्व ज्यादा बता देंगे तो बरगद की भूमिका को अपन अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यस, क्योंकि की स्टोन जाती है, इसलिए वहां पर अपन नंबर की जगह अपन बायोमास या परसेंटेज कवर एरिया मापदंड लेते हैं। और कुछ जगह पर रिलेटिव मेथड, जहां गणना असंभव हो, बड़ी पॉपुलेशन की साइज हो, तो रिलेटिव मेथड से अपन सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं। और एक तो इनडायरेक्टली है, जहां बिना देखे बिना गिने, ना देखते हैं ना गिनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपन बायोटिक पैरामीटर यूज नहीं करते, जीवी मापदंड, वहां तो इनडायरेक्ट पग मार्क, पदचिन्ह या मल गुटिकाओं की संख्या देकर अपन जो टाइगर रिजर्व होते हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वहां टाइगर सेनेसिस बाघ समष्टि की अपन गणना कर लेते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड आपका है। और वहां बेटा पग मार्क और फीकल प्लेट्स, तो आंसर आपका क्या हो गया, फोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है। यस मेरे बेटा, तो अपन आ गए 69 पे। यस बेटू, हां तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 70, भाई जो आपका बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 69 अपने डिस्कस किया, तो 69 क्वेश्चन 228 पेज नंबर पर, 70 क्वेश्चन 234 पेज नंबर पे आपका है। यस, ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुका है कि फाइटोफैगस इंसेक्ट सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन, यानी पादप पक्षी कीट कौन सी अन्योन्य क्रिया दर्शाएंगे। सीधी सी बात है, फाइटोफैगस इंसेक्ट पीसी है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो पीपी जो आप जानते हैं कि प्लांट सैप को, पादप रस को चूसते हैं, खाते हैं, एक ही बात है, खाते हैं उसको, फीड करते हैं प्लांट सैप को, तो आप जानते हैं कि फाइटोफैगस इंसेक्ट क्या प्रीडेटरी तो है। यस, तो आंसर आपका क्या होगा, प्रीडेशन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, और बेटा आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 233 पेज नंबर पे एनसीईआरटी के अंदर है, और यहाँ कंपटीशन को बहुत अच्छे से आपको करना है। यस, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो क्वेश्चन आपका है ये कि रिगार्डिंग कंपटीशन फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, स्पर्धा के संदर्भ में गलत कथन को चुनी। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट है अनरिलेटेड स्पीसीज कुड कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज, असंबंधित प्रजातियां समान प्रकार के संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, जो बाधा प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि यहाँ सफिशियंट सफिशियंट रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, ठीक है। और इधर आप जानते हैं कि डॉग है, सुपीरियर डॉग, और इधर आप आ रही है क्या, कैट, तो सेम टाइप के रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सफिशियंट है, लेकिन कैट को ये डॉग फीड नहीं करने देंगे, सुपीरियर है, तो इसको आप कहते हो बाधा प्रतिस्पर्धा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, सही। बेटा इनिशियली क्या कहा गया कि पहले ये डेफिनेशन दी गई कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ऑलवेज हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है और सेम रिसोर्सेज के लिए होता है। तो बाद में ये आया कि भाई ये कोई जरूरी नहीं कि क्लोजली में ही हो, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी हो। कभी कभी प्रतिस्पर्धा आप समझ सकते हो कि अनरिलेटेड में भी हो सकती है, और आप समझ सकते हैं जैसे वो जू प्लैंकटन, और जो आप समझ सकते हैं कि वहां साझा आहार है बर्ड, जो फ्लेमिंगो होता है, फ्लेमिंगो बर्ड और वहां की फिशेज के लिए जू प्लैंकटन साझा आहार है। यस, तो अनरिलेटेड भी हो सकती है, और कभी कभी रिसोर्सेज पर्याप्त होने के बावजूद भी हो सकती है, इंटरफेरेंस बता दी मैंने आपको।
यस हाँ, जनरली क्लोजली रिलेटेड में होती है और रिसोर्स लिमिट होने पे होती है। लेकिन अपन फिर मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं कि जब एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज की आर वैल्यू बायोटिक पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट आए, वो डिक्रीज हो जाए, तो गारंटीड वहां पर क्या है, कॉम्पिटिशन है। यस बेटो, तो यहाँ आपके अकॉर्डिंग आपका ये करेक्ट है। फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजाति की उपस्थिति में अन्य प्रजाति की अनुकूलता कम हो जाती है। यस बेटा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आर वैल्यू आपको बताया, एबिगडन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू कंप्यूटर स्टारफिश, प्रतिस्पर्धी तारा मछली एबिगडन का छुए गलत हो गया क्योंकि वहां तो गोट इंट्रोड्यूस हुई थी। ये गैलोपस आइलैंड, गैलोपेगोस आइलैंड की बात है कि वहां पर जब गोट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, उनकी हाई ग्रेजिंग कैपेसिटी थी, चारण क्षमता ज्यादा थी, तो वहां पर जो कछुए थे एबिडन टॉर्टोइस वो विलुप्त हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये गलत हो गया। और बैलेनस लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ चैथमेरस फ्रॉम रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये करेक्ट है। तो आपसे पूछा है रॉन्ग, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। यस बेटा, आप जानते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। और बेटा आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 72 आपके 242 पेज नंबर पे आपका एनसीईआरटी के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज एन यूनिट व्हेन वी कंसीडर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है, हम निम्नलिखित में किस पहलू पर विचार करते हैं। मैं देखो, वैसे तो आप जानते हो कि पारितंत्र के लिए अनिवार्य रूप से प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर, ये तो होना अनिवार्य है। और आप जानते हो कि लेकिन और भी हो तो अच्छा इकोसिस्टम आपका होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ये मोर अप्रोप्राइट ज्यादा उचित होगा, आंसर विल बी 4। यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। तो आपका ये क्वेश्चन बेटा आप समझ सकते हैं 73 है, और 73 सीधी लाइन आपकी 243 पेज नंबर एनसीईआरटी के 243 पेज नंबर पे डायरेक्ट लाइन आपकी। बेटा आप जानते हो कि यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में आप जानते हैं कि जो ये ग्रीन प्लांट है, सनलाइट को पार में से कैप्चर करके जो आप जानते हो कि प्रोडक्शन फॉर्म करते हैं जीपीपी, फिर अपने रेस्पिरेशन में कंज्यूम करके जो अवेलेबल फूड होता है वो एनपीपी होता है, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होता है। यहां देखिएगा, प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, बिल्कुल एक विशेष क्षेत्र की बाधित करने वाली पादप प्रजातियां, डिपेंड तो करेगा उस प्रोडक्टिविटी। प्रीडेशन आ गया, एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी आ गई। देखो बेटा, यहां पर जो फर्स्ट है एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी आपकी लाइन है एनसीईआरटी की, थर्ड भी और फोर भी, लेकिन प्रीडेशन का वहां पे कोई मतलब नहीं कि प्रीडेशन डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, और 74 क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी के 245 पेज नंबर पे आपका है, और ये मैं कई बार आपको भी पहले बता चुका हूं कि टोटल सन रेडिएशन आईएसआर का प्लांट कैप्चर करते हैं 1-5%, और पार का जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है लेस देन 50%, विप्योर उसका 2-10%, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम दिस टाइप ऑफ फूड चेन इज मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जलीय पारतंत्र में किस प्रकार की खाद्य संघ ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख सनाल है, आप समझ सकते हैं मेजर कंडक्ट है। तो आप समझ सकते हो कि स्थली में बड़े बड़े वृक्ष हैं तो डेट्रिटस मर्त अवशेष, जंतु भी बड़े हैं तो मर्त अवशेष ज्यादा बनते हैं, तो डेट्रिटस फूड चेन होता है टेरेस्ट्रियल रीजन में, और एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन। तो आपका जानते हो अच्छे से, आपका एनसीईआरटी का जो 75 क्वेश्चन है उसका आपका पेज नंबर एनसीईआरटी 246 पे आपको डायरेक्ट लाइन आपको दे रखी है। यस बेटा, तो यहां पर आपका हो जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ऑल सक्सेशन वेदर टॉकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सभी अनुक्रमण चाहे जल में हो चाहे भूमि पे हो, यानी बेटा चाहे जिरिक हो चाहे हाइड्रिक हो, आप जानते हो क्लाइमेक्स एक ही चीज आएगी, मिजिक, जिरिक टू मिजिक, जीरो सिरे में जिरिक टू मिजिक, और हाइड्रो सिरे में हाइड्रिक टू मिजिक। आप जानते हो कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलवेज और ऑलवेज क्या होती है, मिजिक, तो मिजिक की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं बेटा। 76 क्वेश्चन आपका पेज नंबर 257 पे सीधा क्वेश्चन है। यस बेटा, तो आप जानते हैं इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉन्स्टिट्यूट द ड्राई वेट,
तो 49% होता है, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोलॉजिकल सर्विस, निम्न में से किस रूप को पारिस्थितिक सेवा नहीं माना जाता है। आप जानते हो फर्टाइल सोइल, अरे भाई बेर रॉक धीरे धीरे विदरिंग हुई, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हुआ, तो बिल्कुल है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर्मेशन, वन्य जीवों के लिए आवास, ये इकोसिस्टम सर्विस ही है, है ना। और क्रॉप पोलिनेशन भी, ये नहीं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में कोई इकोसिस्टम सर्विस नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79, इन बायोस्फीयर डाइवर्सिटी हेटरोजेनेसिटी एग्जिस्ट, जीवमंडल में विविधता उपस्थित है। तो आप जानते हैं कि बायोस्फीयर में तो हर लेवल पे ही आपकी डायवर्सिटी मौजूद है, चाहे वो स्पेसिस लेवल हो, जेनेटिक हो, इकोसिस्टम हो, या ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर हो जाएगा फोर आंसर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, टर्म बायोडायवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ये तो सीधा साइंटिस्ट है एडवर्ड विल्सन ने ये बायोडायवर्सिटी टर्म आपको दी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार, ये टैक्सोनॉमी में भी आपका दे रखा है कि IUCN के 2004 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1.7 टू 1.8 मिलियन, इन मोर देन 1.5 मिलियन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्पीसीज, वैश्विक प्रजाति विविधता में भारत का योगदान। देखो बेटा पूरे विश्व का भारत कितना एरिया कवर करता है, 2.5%, लेकिन आप जानते हो कि भारत 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, महाजैव विविधता देशों में आता है और पूरे विश्व का 8.1% जैव विविधता को पूरी करता है। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा एनसीईआरटी का डेटा है, 82 क्वेश्चन आपका 261 पेज नंबर पे सीधे एनसीईआरटी लाइन है, यस बेटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इन इक्वेशन लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, व्हाट इज जेड, तो ये पहले भी आया और ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो आप जानते हो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी आपको दे रखा है जैव विविधता के प्रतिरूप, तो एक तो आपको बता रखा है लैटिट्यूड ग्रेडियंट यानी अक्षांशीय प्रवणता, तो यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा को करता है, आसपास जो कंट्री होगा जैसे इंडिया है, कोलंबिया, इंडिया कोलंबिया में 1400 पक्षी जाती है, इंडिया में 1200, फिर आप जानते हो कि ऐसे कनाडा है, फिर ऊपर अपन चले जाते हैं, यस, तो आप जानते हो बेटा पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। और एक आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो आप जानते हो कि स्पीसीज रिचनेस ये है और एरिया ये है, तो आप जानते हो कि ऐसे रेक्टेंगल हाइपरबोला और सीधी रेखा पर ये आपका होता है लॉग स्केल पे, है ना। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एस बराबर सी ए जेड और यहाँ लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जो वॉन हम्बोल्ट ने ऐसा किया था। और इसके लिए मैंने आपको अच्छे से, यहाँ जेड क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, समेसरण गुणांक है, है ना जेड, क्योंकि बेटा जितना बड़ा एरिया होगा ट्रॉपिक रेनफॉल उतना ही ऊपर जाकर ये स्टेबल होगा, तो ये खड़ी लाइन होगी, जितनी ज्यादा खड़ी लाइन होगी यानी आप जानते हो कि स्टिफनेस इसमें होगी, ढाल में प्रवणता उतने आप जानते हो जाति समृद्धि ज्यादा होगी, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को शो करता है। जेड का नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 0.2 होता है, लेकिन बड़े महाद्वीपीय क्षेत्रों या ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट के लिए 0.6 से 1.2 होता है। और इसके लिए ये इसका आंसर तो आपका हो जाएगा थर्ड, इसके लिए कुछ समझा भी रखा है मैंने इससे नेक्स्ट, यस बेटा। तो देखिए ये रहा आपका, ठीक है, ये ग्राफ आपको दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो आपको ग्राफ दे रखा है इसमें देखिए स्पीसीज रिचनेस, जाति समृद्धि, एरिया, एक बार के लिए अपन एरिया बढ़ाते हैं तो जाति समृद्धि भी बढ़ती, लेकिन एक सीमा तक, फिर जाकर कांस्टेंट हो जाती है, ये कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो एस बराबर सी ए जेड, अब घात में जेड आ गया और जेड का वैल्यू है 0.1 से 0.2 नॉर्मली, कि थोड़ा बहुत बढ़ता फिर स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर अपन वर्षावनों की बात करें, जहां फल बक्सी पक्षियों की बात करें, जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो वहां आप जानते हैं कि स्थानिकता भी ज्यादा है, तो वहां ऊपर जाकर स्थिर होगा, तो ये लॉग स्केल पे खड़ी लाइन ज्यादा आएगी, तो लॉग स्केल पे ये समीकरण आगे लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, तो वाई बराबर सी प्लस एम एक्स, ये फिजिक्स का इक्वेशन है, वाई बराबर सी प्लस एम एक्स। और तभी जब जेड की वैल्यू पॉइंटों में होती है तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, यस। तो ये आपको जाति समृद्धि के लिए बता रखा है वहां पर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा। तो ये सारा मैंने समझा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, यस बेटू। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझाया, ये क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर आपको समझाया, और जो 83 क्वेश्चन है उसका 262 पेज नंबर पे आपको ये एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ भी दे रखा है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, तो जो 84 क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं बेटा, 84 क्वेश्चन
264 पेज नंबर पे आपका अच्छे से है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पृथ्वी के 14% एरिया पे फैले हुए थे और सबसे ज्यादा विविधता को होल्ड कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को होल्ड कर रहे हैं, आज वो घटके 6% पे आ गए। बेटा लंग्स ऑफ प्लेनेट अमेजन वर्षावन जो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट ही है, दक्षिण अमेरिका का अमेजन वर्षावन, वो तो लंग्स ऑफ प्लेनेट है, पृथ्वी का फेफड़ा है, वो भी लगातार सोयाबीन की खेती और वहां चारागाह ग्रासलैंड बनाने के लिए वो काटे जा रहे हैं। तो यहाँ आपका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85, एलियन स्पीसीज इन्वेजन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन विक्टोरिया लेक लीड टू एक्विजिशन ऑफ मोर देन। भाई जानते हो कि पहली चीज तो क्या है बेटा, बायोडायवर्सिटी लॉस का सबसे मेजर जो फोर इविल क्वार्टेट है, चार बुराई है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आपका और एक्सपोर्टेशन है, और तीसरा आपका विदेशी जातियों का आक्रमण। तो वहां आपको विक्टोरिया झील में नाइल पर्च को लाया गया तो सिचलिड जातियों की 200 प्रजाति विलुप्त हो गई थी। आप समझ सकते हैं सीधा आपका आंसर है एनसीईआरटी का है 85 क्वेश्चन और 265 पेज नंबर पे आपका है। यस बेटा ये लो जी आंसर आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो 86 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन नीट में आ चुका है। यस विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनेशन फॉर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट एरिया को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। कि जानते हो बेटा 34 है पूरे विश्व में अब प्रेजेंट टाइम में, और इंडिया में कितने, 3। पहले देखो 25 थे, फिर 9 और ऐड हो गए तो 34 हो गए, इंडिया में 2 थे अब 3 हो गए, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। हॉटस्पॉट एरिया क्या होते हैं, ये पूरे विश्व का 1.4% एरिया को कवर करते हैं, लेकिन अगर आप इनको संरक्षण दे दें तो आप जानते हैं कि 1/3 से ज्यादा जैव विविधता का लॉस रुक जाएगा। हॉटस्पॉट एरिया वो एरिया होते हैं बेटा जहाँ स्पीसीज रिचनेस जाति समृद्धि होगी होगी, हाई एंडेनिज्म उच्च स्थानिकता, कुछ ऐसी जातियां होंगी जो वहीं पर और कहीं नहीं है। यस और संकट की डिग्री भी वहां पर उच्च होगी, और उन आवासों की क्षति बहुत तेज गति से हो रही है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस एरिया वो है। तो यहां पर आप देखिएगा वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस करेक्ट है, हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन करेक्ट है, हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके नीट में आ सकता है। यस बेटा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। यस नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए 87, फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, और 87 क्वेश्चन 267 पेज नंबर पे आपका है, एनसीईआरटी का डेटा बहुत अच्छा है। देखो एनसीईआरटी 22/2014 आप तो बढ़ गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी डेटा देखा करेक्ट है। नेशनल पार्क आपको देखा बेटा 90, तो ये रॉन्ग हो गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, मोर देन 450 हो गए, लेकिन ये डेटा पहले का करेक्ट है। इंडियन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 3 भी मैंने आपको बताया था, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद कैटालिटिक कन्वर्टर, कौन है जो कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ रिलेटेड नहीं है। जानते हो बेटा वाहनों के अंदर धुआं उत्सर्जक में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं जो हानिकारक को अहानिकारक में चेंज करते हैं, हार्मफुल को लेस हार्मफुल या अनहार्मफुल में चेंज करते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ CO इन CO2 करेक्ट है, कन्वर्जन NOx N2 ये भी करेक्ट है, लेकिन SO2 को S में चेंज नहीं करते हैं, ये इनकरेक्ट है। 4 आंसर आपका हो गया। जानते हो प्लेटिनम प्लेडियम रोडियम के ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। यस नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, बिसाइड यूज ऑफ CNG साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन एक्सेप्ट। ये तो बेटा आपको है ही कि वहां पर ये भी NCERT का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि 273 पेज नंबर आपको डायरेक्ट लाइन लिख रखी है, देखते ही आप समझ जाएंगे कि CNG के अलावा वहां पर सीसा रहित पेट्रोल डीजल लेड फ्री, वहां पर आप जानते हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कम हो, है ना, और आप समझ सकते हैं बेटा कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, कई बातें की गई थी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये भी किया गया था, यूज ऑफ लो सल्फर डीजल ये भी किया गया था, कैटालिटिक कन्वर्टर ये भी किया गया था, लेकिन वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कोई मीन नहीं है बेटा। स्त्री विद्युत अवक्षेपित्र तो आप जानते हैं कणिकीय पदार्थों को दूर करता है, जो आप जानते हैं कि SPM को अलग करता है। यस तो यहाँ 4 आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन आप देखिएगा 90, अकॉर्डिंग टू यूरो 3rd नॉर्म इन पेट्रोल और डीजल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेंड एट 42% एंड गोल ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ सल्फर। देखो बेटा लगातार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कम किया जाए ताकि अदग्ध अनब्रंट हाइड्रोकार्बन कम बचे, 3-4 बेंजोपायरिन जैसे, क्योंकि वो प्रदूषक हैं। इसके साथ ही एक बात और है कि सल्फर कंटेंट को भी धीरे धीरे कम किया जाए ताकि SO2 जैसी विषैली गैस भी कम बने, और उसका आपका डेटा है 35 जो आपको याद करना है बेटा। यस बेटा ये 90 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, लेकिन अपने पेपर में इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर 180 क्वेश्चन है,
लेकिन एक क्वेश्चन से लेकर 90 तक का एक पार्ट है, आपको पूरे सॉल्यूशन को देखने के दो पार्ट आपको करने होंगे, एनसीईआरटी को आपको साथ रखना पड़ेगा और एक बेस्ट तरीके से एनसीईआरटी को आपको तैयार करना होगा। और बेटा हमारा आपका उद्देश्य है कि आपका एनसीईआरटी टॉपिक तैयार हो, मार्क्स तो अभी अच्छे आए हैं और आ जाएंगे। यस मेरे बेटू, अब अपन 91 से लेकर 180 तक हम इकोलॉजी पार्ट सेकंड में आपका सॉल्यूशन करेंगे। यस बेटा, तो इसमें यहीं तक, नेक्स्ट अपन करते हैं 91 से।